Hi, this is uh, Manmohan Gupta, and uh, uh, I'm a math teacher uh, in Vidhamadi classes. So, um, uh, you know, like this is uh, uh, the master class I am taking. And uh, uh, let me before I start this master class, let me uh, you know brief you about the topic and what kind of class it would be. So this is the first master class you know I'm taking here on this uh, uh, play uh, you know in in, in in this series. So let me uh, give you a brief about this class. So first of all, keep in mind that you know this is a uh, uh, topic. Topic is quadratic, you know equations and polynomials functions. सो so, अगर आप एलेवेंथ uh, में हैं तो ये टॉपिक आपने अभी रिसेंटली किया होगा हाँ अगर आप ट्वेल्थ ग्रेड में भी हैं सो so ये टॉपिक आपने लास्ट ईयर एज अ पार्ट ऑफ एलेवेंथ के सिलेबस में किया होगा तो ये टॉपिक है लेकिन मैं ऐसे क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक एज अ फंक्शन इसका ग्राफ पैराबोला होता है या क्वाड्रेटिक uh, में इस तरह के क्वेश्चन थोड़े और किए होंगे आपने जैसे डोमेन है रेंज है या लॉग फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो जो भी क्वाड्रेटिक का पार्ट इसके अराउंड है यू you नो know, जो भी मतलब फंक्शंस uh, का पार्ट बोलूँगा जो क्वाड्रेटिक के अराउंड है वो हम यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे तो एक चीज़ और मैं बता दूँ कि ये टॉपिक टीचिंग क्लास नहीं है जैसे इस सीरीज़ में आपकी और क्लासेस भी हो रही हैं आर टॉपिक टीचिंग क्लासेस जो बिल्कुल बिगनिंग से यू uh, नो you know, टीचर पढ़ाता है आपको टॉपिक का इंट्रोडक्शन देता है सो दिस इज मास्टर क्लास इज नॉट ऑल अबाउट दैट कि जिसमें मैं बिल्कुल ही इक्वेशन क्या होता है या फंक्शन क्या होता है वो सब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ राइट सो मैं तो यहाँ पे uh, तो मैं क्लियर करता हूँ दिस इज़ नॉट अ टॉपिक टीचिंग क्लास यहाँ पे मैं कुछ मतलब कॉन्सेप्ट रिवाइज करा के जो थोड़े क्वेश्चन हैं मतलब थोड़े मैं कहूँगा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं या जो क्वेश्चन ग्राफ पे बेस्ड हैं ये ग्राफ जो क्वाड्रेटिक के अंदर फंक्शन पार्ट आता है उसके अंदर उन क्वेश्चन की कुछ वेराइटी लेके उनको डिस्कस कर रहा हूँ मैं ठीक है तो तो ये बहुत बेसिक क्लास भी हो सकता है ना हो कुछ क्वेश्चन ऐसे हों जिसको आपको समझने के लिए वीडियो हो सकता है भी दोबारा देखना पड़े अगेन मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो देख रहे हैं जो स्टूडेंट हैं जो देख रहे हैं वो उनमें हर तरह के लेवल के लोग हो सकते हैं कुछ है जो मैथ को बहुत पसंद आता है उनको तो मतलब हो सकता है खुद भी कर लेंगे वो सारे क्वेश्चन ये तो लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको थोड़ा स्ट्रगल होती है मैथ इज़ नॉट देयर फेवरेट सब्जेक्ट तो उनको हो सकता है कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनकी वीडियोज़ दोबारा भी देखने पड़ सकते हैं तो वो ध्यान रखना तो अम, सो so, कुछ ये हो सकता है कि आप देखो कुछ चीज़ें मतलब अगर आपको लगे नहीं समझ आ रही है मैं क्वालिटी की चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ आप भूल गए हैं तो वह आप रिवीजन भी अपना जहाँ से भी आपने क्वालिटी पढ़ा था आप रिवीज़न कर सकते हैं मैं भी कराऊँगा आपको कुछ कुछ चीज़ें बट यू you नो know, तो थोड़ा मतलब पार्टली आपको भी हो सकता है रिविज़न करना पड़े देखते हैं अभी मतलब कैसे चलता है आप अगर मैं जब क्विक आपको कॉन्सेप्ट की रिविज़न कराऊँगा तो हो सकता है वो आपको याद आ जाए जो आपने पहले पढ़ा था फिर अगर देखिए मतलब अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आपने लाइक कर रही है इसको राइट right, इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है आपने और ये शेयर करनी है और और आपने कमेंट भी अगर आप, आपके पास कमेंट है कोई आप मतलब कुछ एक्सपेक्टेशन है या कोई आपको मज़ा आया इसमें तो प्लीज़ यू नो डू कमेंट ऑन ऑन दिस वीडियो सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास सो पहले यू uh, नो you know, मैं इसमें uh, <coughs> तो पहले कुछ क्वेश्चन हैं उनके अंदर सो so क्विकली मैं आपको आ, ये कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज करा दूँ कि हमारा जो फंक्शन है हमारा यू नो फंक्शन इज़ इट्स हम बात कर रहे हैं फंक्शन

एक इनपुट है और एक आउटपुट है तो मैं इनपुट आउटपुट को कंबाइन करके ऐसे ऑर्डर पे बना लेता हूँ और उसको मैं प्लॉट कर सकता हूँ कि एक एक्स एक्सिस है जहाँ पे इनपुट जाएगा ग्राफ में क्या होता है टू डायमेंशनल प्लेन पे यहाँ पे हमारा एक्स कोऑर्डिनेट आता है और यहाँ वाई कोऑर्डिनेट आता है राइट तो जैसे मैं सिंपल एग्जाम्पल लूँ वाई कोस टू एक्स माइनस वन है लीनियर पॉलिनोनियल है तो यहाँ पर मैं ऑर्डर पे बना सकता हूँ एक्स को मैंने वन रिप्लेस किया राइट right? एक्स को मैंने वन रखा तो वाई मेरा जीरो आ गया तो ये पॉइंट आ गया ग्राफ के ऊपर और मैं प्लॉट कर दिया मैंने फिर भी एक पॉइंट और ले लिया एक्स को टू लिया तो वाई वन आ गया एक्स को टू लिया तो वाई वन आ गया तो मेरे दो ही पॉइंट चाहिए होते हैं ग्राफ बनाने के लिए स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए लीनियर पॉलोन ने ग्राफ ग्राफे स्ट्रेट लाइन और ज्वाइन कर दिया तो ये मेरा फंक्शन का ग्राफ आता है क्योंकि फंक्शन हमारा दो क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं एक्स एंड वाई तो हम टू डायमेंशन प्लेट पे टू डायमेंशन प्लेन पे उसको हम प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ को तो हम अगर, अगर आप देखें जो पैराबोला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको हम डिग्री टू पॉलिनोमियल है वाई कोफ तो एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेर ए इज़ नॉट इक्वल टू तो ज़ीरो ये जो पैराबोला है इसका इसका सॉरी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका ग्राफ पैराबोलिक ग्राफ है इसका ग्राफ पैराबोला है वो पैराबोला इस तरह से हो सकता है दिस इज द पैराबोला शेप इज पैराबोला लाइक दिस दिस इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला एंड अ वर्टिकल लाइन थ्रू वर्टेक्स इज नोन एज एक्सेज ऑफ सिमेट्री बिकॉज इट डिवाइड्स पैराबोला इंटू टू सिमेट्रिकल हाफ्स ये जो हाफ है राइट हाफ और ये लेफ्ट हाफ है दोनों सिमेट्रिकल है अबाउट दिस लाइन नोन एज एक्सेज ऑफ सिमेट्री राइट और ये वर्टेक्स है तो आपने ये शेप ध्यान रखनी है ये पैराबोला ऐसे भी हो सक ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है ओपनिंग इन अपवर डायरेक्शन भी हो सकता है ओपनिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन हो सकता है दिस इज़ व्हेन ए इज़ लेस देन जीरो दिस इज़ व्हेन ए इज़ ग्रेटर देन जीरो ए मीन्स द कोविशन ऑफ स्क्वायर वो अगर पॉजिटिव है तो पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है नेगेटिव है तो पैराबोला नीचे की तरफ ओपन हो रहा है ये आपने ध्यान रखना है तो इसका अगर हम देखें इसका ग्राफ अगर हम देखते हैं कि ये ग्राफ तो आप बना लेंगे इसका ग्राफ राइट मैं अभी उसमें इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ आपने सीखा होगा ग्राफ कैसे बनाना है अभी हमें देखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा ये देखो इसमें जो मेरा वाई इक्व ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें हमारे छः केसेस बनते हैं ये पैराबोला कंप्लीटली अबव एक्सेस होता है वैन ए ग्रेटर देन जीरो एंड डिस्क्रिमिनेंट विच इज बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी यू नो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्र माइनस फोर ए सी लेस दे दिस इज अप ऑफ दिस इज पोजिशन ऑफ द पैराबोला कंप्लीटली पॉजिटिव कम्पलीटली अब ये हमें ध्यान रखना होता है ऐसे छह केस है पैराबोला इज कम्प्लीटली बिलो एक्स एक्सेस एज लेस देन जीरो

ये मेरा दूसरा केस फोर्थ केस हो गया ए लेसन जीरो है बिकॉज पैराबोला इज ओपनिंग डाउन और दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है डी ग्रेटर देन जीरो है तो ये याद रखना आपने जब भी दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे डी ग्रेटर देन जीरो है एक केस है बाकी लास्ट के दो केसेस है टच कर रहा है पैराबोला फ्रॉम अबव एक्स एक्सेस या फिर फ्रॉम बिलो एक्स एक्सेस एक ही पॉइंट पे मीट कर रहा है एक्स एक्सेक्सेस को टच कर रहा है हो ये केस होता है डिस्क्रिमिनेंट जीरो का एंड ओपनिंग इन अपर डायरेक्शन है जीरो। ओपनिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन है जीरो एंड इक्वल टू जीरो बिकॉज इट इज टचिंग एक्स एक्सेस तो ये छह पैराबोला बोला के जो केसेस हैं आपने पढ़े उनके पक्का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल टॉपिक के अंदर तो ये बिल्कुल मतलब चिपके होने चाहिए आपके दिमाग के साथ बिल्कुल इमीजिएटली यू शुड बी एबल टू रिकॉल दिस केसेस तो पहले हम जो हमारे जो क्वेश्चन है हम इस पर अराउंड देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये कॉन्सेप्ट ये मैंने आपको बताया है पैराबोला का जो कॉरेड पॉलिनोमल का जो ग्राफ पैराबोला होता है उसके जो तो छः है उस पर उस पर बेस्ड है अब देखें क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रजेंट्स दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका ए नोट इक्वल टू जीरो तो होना ही चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है नहीं तो वो लीनियर बन जाएगा ए डेजन जीरो याद रखना है पैराबोला ओपन सेफर डायरेक्शन जैसी हमने कहा अफर डायरेक्शन है ये केस मेरा हट गया यह आंसर नहीं हो सकता फिर बी लेजन जीरो मैं बी पे भी आता हूँ राइट right? ये इंटरेस्टिंग चीज़ है बी सी लेजन जीरो है सी लेजन जीरो मीन्स अगर मैं इसको मैं यहाँ पे लिख के आपको समझाऊँ कि मैं y cost, y cost fx ये मेरा क्वाड्रेटिक है c का क्या रोल है अगर c का रोल ये होता है मैं अगर जीरो पे x इक्वल टू जीरो प्लग इन करता हूँ तो क्या आता है ये जीरो हो गया ये जीरो हो गया ये c हो गया तो c जो वैल्यू है x इक्वल टू जीरो पे वैल्यू है जो कि पॉजिटिव नेगेटिव है यहाँ पे मतलब x इक्वल टू जीरो पे जो y कोऑर्डिनेट है मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद y एक्सिस कहते हैं एक्स जीरो मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद y एक्सिस और C नेगेटिव है तो ये केस अगर आप देखो ये केस हट गया मेरा इससे और ये केस भी हट गया इसमें क्यों क्योंकि C मेरा नेगेटिव है C नेगेटिव मतलब होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला विद Y एक्स जीरो सी कॉर्डिनेट से इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला विद Y एक्स एक्स को जीरो प्लग इन किया वाई सी आ रहा है अगर आप इस तरह से भी देखेंगे एक्स को मैंने जीरो प्लग इन किया पौ, में मेरा सी आ गया तो मेरा पॉइंट जीरो है, कैसे हो सकता है ये तो पॉजिटिव है, है ये केस भी हट गया मेरा क्योंकि अबव एक्सेक्स है ये केस मेरा आ गया मुझे बी की जरूरत ही नहीं पड़ी इसके अंदर राइट बी पे अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं वहां बी की इन्वॉल्वमेंट है इस क्वेश्चन है बी देखना ही नहीं इस क्वेश्चन में पैराबोला के डन जीरो था पैराबोला ओपन साफ राइट right? और फिर हमने देखा है सी नेगेटिव था मतलब जहाँ पैराबोला इंटरसेट कर रहा है वाई एक्सेस को वो नेगेटिव है नेगेटिव होने का मतलब है वो बिलो एक्सेस है तो इसी केस में ये चीज़ आ रही है तो आंसर आ गया आगे बढ़ते हैं ये अब केस है यहाँ पे बी का रोल होगा वो ध्यान से समझना है आपने बी का क्या रोल होता है तो ये मेरा पैराबोला यहाँ बना हुआ है इसके हिसाब से मुझे मल्टीपल चॉइसेस करेक्ट में से ढूंढना है करेक्ट आंसर क्या है इसके अंदर अगर देखें क्या है पहले देखो आप पैराबोला नीचे की तरफ ओपन हो रहा है नीचे की तरफ मतलब ए नेगेटिव अभी हमने रिवाइज किया है ये ये करेक्ट हो गया ऑप्शन ए नेगेटिव है बी चॉइस को देखेंगे तो क्या बी स्क्वे माइनस फोर ए सी लेजन जीरो चॉइस है मीन डी लेसन जीरो मैंने बताया था पैराबोला अगर इंटरसेट कर रहा है एक्सिस को दो पॉइंट में तो डी के याद रखना आपको पैराबोला अगर इंटरसेट कर रहा है एक्सिस को ऐसे और ऐसे दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो d ग्रेटर जीरो 0 a जीरो देन 0 जीरो ग्रेटर देन जीरो d पॉजिटिव होना चाहिए ये चॉइस गलत हो गई क्योंकि d पॉजिटिव है पैराबोला इंटरसेट कर रहा है एक्सिस को दो पॉइंट के अंदर फिर हम देख रहे हैं c पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला विद क्स एक्सेस अगर मैं विद विधवाई एक्सेस पॉइंट ऑफ इंटरस वाई वो कहां जा रहा है पैराबोला को मैं एक्सटेंड करूंगा पूरा बनाया नहीं है ऐसे जा रहा है पैराबोला एक्सटेंड करके देखा मैंने नेगेटिव आ रहा है बिलो एक्स एक्स आ रहा है इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला विद वाई एक्सेस जीरो कमा सी यहां पे आ रहा है अभी पिछले क्वेश्चन में बात की थी हमने सी नेगेटिव हो गया सी नेगेटिव करेक्ट हो गया इसके अंदर ये लेकिन रॉन्ग चॉइस रॉन्ग हो गई सी ग्रेटर जीरो चॉइस कट गई ये रॉन्ग हो गई अब डी चॉइस और देखनी है ए एंड बी आर ऑफ अपोजिट साइंस अब बी का इन्वॉल्वमेंट क्या है देखो बी कब आएगा बी अगर आपने इन्वॉल्व करना है वो तभी आप समझ पाएंगे बी का रोल जब आप वर्टेक्स का एक्स कॉर्डिनेट देखेंगे वर्टेक्स का मैं अलग से बता देता हूँ आपको जो भी हो रहा है वर्टेक्स होता है ये इसका जो ये ये है वर्टेक्स का वर्टेक्स का फॉर्मूला होता है कॉर्डिनेट्स का एक्स कॉर्डिनेट माइनस बी बाई टू है वाई कोआर्डिनेट माइनस डी बाई फोर है याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मुला ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला है एक्स कॉर्डिनेट माइनस बी बाई टू है वाई कॉर्डिनेट माइनस डी बाई फोर है वर्टेक्स है और पैरा बोला डाउनवर्ड ओपन हो या अपवर्ड ओपन हो फार्मूला सेम ही रहता है वर्टेक्स का फॉर्मूला जो प्लग इन करना है अपने वैल्यूज ए बी यहाँ पे और ये डी बी स्कोर माइनस फोर ए सी है वो सेम फॉर्मूला है तो वर्टेक्स का फॉर्मूला मेरा एक्स कोऑर्डिनेट देखो वर्टेक्स का यहाँ पे क्या है

साइन चेंज और 2 से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज़ 2 इज पॉजिटिव तो मेरा आ गया b/a 0 b/a की रेशियो लेस देन जीरो है ये कब होता है a एंड b आर ऑफ ऑपोजिट साइंस a एंड b आर ऑफ ऑपोजिट साइंस आई होप ये समझ आ रहा है दो नंबर की रेशियो नेगेटिव होने का मतलब उनके साइन अपोजिट होने चाहिए राइट right? क्यों क्योंकि देख ही सकते हैं आप देखो अगर मैंने फाइव लिया है और दोनों नंबर पॉजिटिव लेते हैं फाइव लिया और यहाँ पर टेन लिया है या कुछ भी सेवन लिया है जब भी मैं राइट right? या 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 आप ले लो टेन ले लो तो मेरा ये जो है हाफ हो गया पॉजिटिव होगा ये क्यों क्योंकि दोनों नंबर पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है अगर मैं लेता हूँ दोनों नेगेटिव माइनस फाइव माइनस टेन लिया दोनों नेगेटिव है तो माइनस माइनस कैंसिल होकर दोबारा पॉजिटिव आ गया ग्रेटर देन जीरो आ गया अगर दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो रेशो पॉजिटिव हो गए एक नंबर नेगेटिव है एक पॉजिटिव है फिर देखो आप माइनस हाफ आ रहा है नेगेटिव आ रहा है उल्टा भी देख लो आप फाइव पॉजिटिव है माइनस टन तो मैंने समझा दिया बड़ी बड़ी सिंपल सी बात है समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ देख सकते हो तो मैं ऐसे फेस अपना कर लेता हूँ कि अगर रेशो नेगेटिव आ रही है दो नंबर की तो उनके साइंस अपोजिट होंगे एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा अभी मैंने एग्जांपल लेके समझाया है तो यहाँ से आ गया ये नेगेटिव आने का मतलब है अपोजिट साइन राइट तो ये हमने किस तरह से पैरा बोला मुझे गिवन था उसके अकॉर्डिंग मैंने चॉइसिस आइडेंटिफाई करी है लेकिन क्या ध्यान रखा है गिरो इंटरसेक्शन है और बी अगर देखना है आपने बी के बारे में कोई साइन निकालना है तो आपको वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व करना पड़ेगा इज वेरी इंपॉर्टेंट रिमेम्बर दैट राइट आगे बढ़ते हैं यहां पे है क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब ये हैज नो रियल रूट्स राइट इसके कोई रियल रूट्स नहीं है इसका मतलब क्या इसको ध्यान से समझना ये इक्वेशन है भी। इस वाले पार्ट को मैं मान लेता हूं वाई लेट इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन मान लिया मैंने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी राइट अब देखो क्या ये फंक्शन है मेरा अब इस फंक्शन का कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है एक्सेस के साथ क्यों क्योंकि इक्वल टू नेवर पॉसिबल यही तो है रूट्स नहीं है क्योंकि राइट right? इसके इसी के रूट्स नहीं है इसके देखो अब इक्वल टू जीरो पॉसिबल नहीं है इसको मैंने एफ माना है एफ एक्स इक्वल टू जीरो नॉट पॉसिबल मतलब कभी नहीं हो सकता फंक्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकता मतलब कभी एक्सेस को इंटरसेट नहीं करेगा एक्सेस पे जीरो होता है तो एफ एक्स इक्वल टू जीरो नेवर पॉसिबल और एक quadratic है क्वॉंटिटी ग्राफ पैराबोला है पैराबोला कभी जीरो नहीं हो सकता इसका मतलब क्या हुआ इस फंक्शन का ग्राफ या तो ऐसे होगा हम इक्वेशन से फंक्शन पे ले आए पैराबोला पे या फिर ऐसे होगा बिकॉज ये कभी मीट नहीं कर सकता एक्सेस के साथ अगर मीट कर जाता है तो क्या होता है देखो मीट कर जाता है तो ये जीरो हो जाता है क्वारेटिक एक्सप्रेशन जीरो होता है रूट्स आ जाते हैं अल्फा बीटा आ जाते हैं अगर जीरो हो जाता है तो वो नहीं हो रहा है तो इससे ये पता चल रहा है कि डी लेजन जीरो है एन जीरो भी हो सकता है डी लेजन जीरो ए लेजन जीरो डी लेजन जीरो ये हमें पता चल रहा है दो में से कोई केस होगा कौन सा केस है पता नहीं अब चॉइसेस आइडेंटिफाई करनी है तो इस क्वेश्चन में जो लर्निंग आपने किया होगा पहले मैं तो रिवाइज़ करा रहा हूँ चीज़ें और दोबारा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं तो यहाँ पे अगर मैं एफेक्ट्स देखता हूँ मेरा मेरा अब मेरे को ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि जब भी ए प्लस बी प्लस सी देखते हो या फिर ए देखते हो पता या सी देखते हो क्वारिटिक पॉल्यूमल में ये पहचानना बहुत जरूरी है इसको या फिर आप देखते हो ए माइनस बी प्लस सी जब भी ये एक्सप्रेशन देखता है विद इज दिस ऊपर मैंने सर्कल किया देखो आप ये अभी हमने देखा था ये कोविशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर है राइट ये पता ये क्या है, है। पहचान लिया हमने ये पता है ये एफ जीरो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस है ये एफ जीरो पता है हमें ये क्या है ये एफ वन है वैल्यू एट एक्स इक्व टू वन है कि पैराबोला में अगर मैं वन प्लग इन करूंगा तो क्या आता है वो आता है ए प्लस बी प्लस सी आता है ये

मैं नीचे ले जाता हूँ ऊपर जगह नहीं खत्म हो गई थी तो इस क्वेश्चन को अब देखें हम इस क्वेश्चन को क्या देखना है कि अब चॉइस कौन से करेक्ट है अब मुझे पता है मेरा पैरा बोला ऐसे होगा राइट या फिर ऐसे होगा इसके अकॉर्डिंग मुझे चॉइसेस पिक करनी है अगर मैं पहली चॉइस देख रहा हूँ ये कह रहा है फॉर ए चॉइस देखूं तो क्या है एफ वन ग्रेटर देन जीरो है ये एफ वन ने पहचान लिया पहले लिख लेता हूँ चॉइसेस को डिफरेंट फॉर्म में सेकंड चॉइस क्या है मेरी ए टाइम्स एफ वन इनका जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन जीरो है सी चॉइस है बी एफ वन ग्रेटर देन जीरो है डी चॉइस है C मतलब क्या होता है F0 ये देखो ये C क्या है F0 जीरो वैल्यू एट x इक्वल टू जीरो है इन टू एफ वन ग्रेटर है अब ये देखते हैं यहां पे देखो अगर पैराबोला या तो कंप्लीटली पॉजिटिव है या फिर कंप्लीटली नेगेटिव है तो अगर मेरा ये पैराबोला है तो जीरो यहां पे मान लेते हैं वन कहीं यहां पे होगा तो मेरा F0 भी पॉजिटिव है इस केस में एफ वन बी पॉजिटिव है दोनों ही पॉजिटिव होंगे क्योंकि पूरा पैराबोला पैराबोलाई अब एक्सेस है हर पॉइंट पे वैल्यू पॉजिटिव होगी तो इनका जो प्रोडक्ट है एफ जीरो वन का वो ग्रेटर देन जीरो होगा क्योंकि दोनों वैल्यू पॉजिटिव है या इस केस में देख लेते हैं इस केस में वैल्यू वैल्यूट जीरो नेगेटिव है क्योंकि जीरो मान लेते हैं कहीं भी होगा उसमें वैल्यू नेगेटिव आ रही है पॉइंट नीचे आ रहा है एक्सेक्स के सेम भी वन मान लेते हैं वन यहाँ पे है तो वो एफ वन बी नेगेटिव है लेकिन जो उनका प्रोडक्ट है एफ जीरो वन वो देन जीरो होगा

करेक्ट है ये चॉइस चॉइस बी कैसे करेक्ट हो रही है आप देखो कि मेरा इस केस में क्या है मैं अगर दोबारा यहां पे आता हूं मेरा A क्या? उनका प्रोडक्ट देखो ए इंटू एफ वन ग्रेटर जीरो पॉजिटिव है राइट ए पॉजिटिव पैराबोला ओपन साफ एफ वन पॉजिटिव यहाँ पे आता हूं मैं ए नेगेटिव है मेरा और एफ वन भी नेगेटिव है अब उनका प्रोडक्ट लिया ए नेगेटिव नेगेटिव दो नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट लिया वो पॉजिटिव हो जाएगा ये भी पॉजिटिव होगा ये चॉइस भी करेक्ट हो गई और ये चॉइस मेरी नहीं करेक्ट है अगर ये देखना आपने क्यों करेक्ट नहीं है तो मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा आपको ये कि कैसे कि मुझे यहां पे वर्टेक्स बनाना पड़ेगा वर्टेक्स का मुझे पता है यहां पे राइट ये बी क्या है वर्टेक्स का है तो बी क्या है इसको मैं ऐसे करता हूँ देखो पहले बी एफ वन है राइट ग्रेटर देन जीरो है अब यहां पे इसको मैंने ऐसे कर लिया इसको माइनस टू ए से ऐसे करो ऐसे करो b था यहाँ पे माइनस मैंने क्या करा माइनस टू ए से डिवाइड भी किया और माइनस टू ए से मल्टीप्लाई किया कर सकते हैं हमेशा एक साइड पे दोनों b के साथ माइनस टू ए से डिवाइड भी किया माइनस टू ए से मल्टीप्लाई भी कर दिया अब देखिए आगे क्या बना ये बन गया मेरा ये देखो आप ये माइनस टू को अलग कर लिया मैंने एक मेरा ए है ये मैंने एफ वन उसके साथ लिख लिया एक है, और जो माइनस बी बाय टू ए था राइट उसको मैंने साइड में लिख लिया अब देखो आप अगले स्टेप में देखते हैं क्या होता है ये मेरा है पॉजिटिव पहले पिछले देख चुके हैं हम ये पॉजिटिव है ये मेरा माइनस टू नेगेटिव है ये ऑफ वर्टेक्स ग्रेटर जीरो आगे बढ़ते हैं माइनस टू से मैंने डिवाइड कर दिया माइनस टू से तो मेरा कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स क्या हो जाएगा माइनस डिवाइड करूंगा तो साइन मेरा चेंज हो गया लेस देन जीरो हो गया तो ये चॉइस कह रही है कि कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स आपका नेगेटिव होना चाहिए राइट कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स नेगेटिव होना चाहिए ये मैंने इस तरह से यहाँ बनाया है बी को एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स तभी समझ आएगा ये बी जब भी आएगा कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स बनाया मैंने माइनस टू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ये मेरा बन गया कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स फॉर्मुला है माइनस बी बाई टू है ये मैंने ए को एफ से क्वाइंग किया तो पॉजिटिव हो गया माइनस वू से डिवाइड कर दिया माइनस वू से डिवाइड किया साइन चेंज हो गया तो ये चॉइस सी चॉइस सभी करेक्ट होगी जब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स नेगेटिव होगा लेकिन वो कैसे कह सकते हैं हम पैराबोला हमें सिर्फ ये इंफॉर्मेशन है अब देखो मैं नीचे हमें नीचे आता था हमें सिर्फ ये इंफॉर्मेशन है पैराबोला या तो ऐसे है या फिर ऐसे है दो ही केस हो सकते हैं लेकिन जब वो ऊपर है वो वाई य ये मेरी वो कहीं भी ऊपर हो सकता है देखो आप एक्स कॉर्डेंट ऑफ वर्टेक्स नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है और पैराबोला हॉजिटली कहीं भी हो सकता है तो एक्स कॉर्डेंट ऑफ वर्टेक्स के बारे में नेगेटिव कहना कोई जरूरी बात नहीं है वो पॉजिटिव साइड पर भी हो सकता है पैराबोला ऐसे भी हो सकता है देखो आप ये तो एक्स क्वारेंट ऑफ वर्टेक्स पॉजिटिव हो गया तो हाउ कैन वी से नेगेटिव इसलिए वो चॉइस गलत हो गई है थोड़ा डिफिकल्ट था ऐसे देखना लेकिन लेकिन मतलब यू you नो know, एक बार समझने की कोशिश करना नहीं तो वीडियो दोबारा देख लेना अब इस क्वेश्चन पे आते हैं ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया कॉन्सेप्ट वही है अगर आपने सुना है समझा है पिछले क्वेश्चन वाला ही कॉन्सेप्ट है लेकिन इस बार देखो आप क्या है ये मेरा क्वाडेटिक इक्वेशन है इसको मैंने पोलिनोम मान लिया फंक्शन मान लिया एलेट एफ एक्स बी ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स माइनस सी क्यों फंक्शन मान रहा हूँ क्योंकि मैं ये ग्राफ देखूंगा इसका और याद रखना है जब इक्वेशन क्या होती है इंटरसेक्शन ऑफ दिस पैराबोला विद एक्स इसके जो रूट्स है मैं समझ अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो उसका क्या कनेक्शन है इससे ही? अल्फा बीटा के अगर नो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सेस पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एफ एक्ट ऑफ दिस फंक्शन विद एक्स एक्सेस जीरोज भी कहते हैं उसको ये जीरोज है इस इस पॉलिनोम के जीरोज हो गए ये पढ़ा होगा पहले आपने कई बार ये जो रूट्स हैं वो जीरोज हैं फंक्शन के करस्पॉन्डिंग फंक्शन के जीरोज है या पॉइंट ऑफ से इंटरसेक्शन भी देख सकते हैं रिवाइज करो अगर ये मुश्किल लग अगर आपको ये चीज़ नाइन से पढ़ना शुरू करते हैं तो हम जीरोज ऑफ द फंक्शन वही है जीरो पॉलि नॉमल वही चीज़ है अब लिखा है कि ये जो रूट्स हैं उसके नॉन रियल रूट्स है रियल रूट्स नहीं है मतलब रूट्स है रियल है नहीं मतलब नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह ये जो ग्राफ है या तो वो ऐसे होगा या वो ग्राफ ऐसे होगा दो में से एक केस होगा बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह क्योंकि रूट्स है ही नहीं रियल रूट्स है ही नहीं है तो ग्राफ है तो कंप्लीटली अबव होगा या ग्राफ कंप्लीटली बिलो होगा दो तो ऑप्शन है इतना ही पता चला है अभी का और साथ में ये कंडीशन दी है और सी के बारे में निकालना है ये थोड़ा सा क्वेश्चन है कंडीशन को किस तरह से लाएं कि हम आइडेंटिफाई कर है चॉइस ये ध्यान से देखना है थोड़ा सा ट्रिकी हो गया ये थ्री सी बाय फोर लेस देन ए प्लस बी मैंने 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया राइट right, इसको मैंने ऐसे लिख लिया यहाँ पे फोर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया फोर ए प्लस फोर बी राइट मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ पहले थ्री सी लेस देन फोर ए प्लस फोर बी फिर मैं सब एक साइड पे ले आया फोर ए प्लस फोर बी माइनस थ्री सी गटर जीरो है ये क्या एक्सप्रेशन है क्या कनेक्शन है इसका हमारे एफ एक्स के साथ अगर मैं एफ एक्स को ऊपर से नीचे लाऊंगा जो ऊपर लिखा हुआ था ए एक्स स्क्वायेयर प्लस टू बी एक्स लिखा मैंने एफ एक्स को ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स माइनस फोर टाइम्स सी माइनस थ्री टाइम सी अब इसका इससे क्या कनेक्शन है अब देखो ध्यान से देखो ये अगर मैं देखता हूं ये एफ वन तो नहीं है नहीं एफ वन तो मेरा होता ए प्लस टू बी माइनस थ्री सी एफ वन तो नहीं है रॉन्ग है इट इज़ नॉट एफ वन एफ टू तो नहीं है कहीं टू डाल लेते हैं इसमें टू डालेंगे तो टू का स्क्वायर फोर फोर ए हो गया ये यहाँ टू प्लग इन किया तो फोर बी हो गया ये ये माइनस थ्री सी यस ये एफ टू है एफ टू ये मिल गया देखो एफ टू था तो यहां से क्या पता चल रहा है, F2 जो है मेरा, वो तो यह केस हट गया यह केस नहीं हो सकता देखो आप टू पे वैल्यू पॉजिटिव है नॉट पॉसिबल नॉट पॉसिबल यह केस नहीं होगा क्योंकि टू पे वैल्यू पॉजिटिव है बिकॉज एफ टू इज ग्रेटर मतलब कंप्लीटली पॉजिटिव होना चाहिए negative है, तो completely negative है. पे पॉजिटिव मतलब ये वाला केस ही हो सकता है देखो अब पे ये ये देखो ये केस है अब ये केस है इसका सी से क्या कनेक्शन है अब सी देखना क्या है अगर मैं देखता हूं थोड़ा सा से से सी, सी सी वैल्यू देखो, देखो फंक्शन की जीरो पे क्या है वो ग्रेटर देन जीरो सी नहीं है इस बार माइनस थ्री सी ध्यान रखना जो एट जीरो पे माइनस थ्री सी है सी नहीं है

पैराबो ये हमें गिवन है पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि दिस इज दिस इज अ पैराबोला यस क्वालिटिक एक्सप्रेशन है पैराबोला होगा रिप्रेजेंट्स दिस कर्व गिवन ऑन द राइट ओके ये कंडीशन गिवन है हमें ए नॉट इक्वल टू जीरो होना ही चाहिए क्वालिटिक पॉलोनोमियल है ए पी इज थ्री ए क्या है कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स है मेरा माइनस b बाई टू एक्स कॉर्डिनेट होता है वर्टेक्स का ये जो माइनस डी बाई ये फॉर्मूला है मेरा माइनस डी बाई फोर है यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट तो नहीं पता मुझे y कोऑर्डिनेट पता है थ्री है ये गिवन है ए पी इज थ्री ए पी ए वाई कॉर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ये देखो डिस्टेंस फ्राम एक्स है वाई कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स है वो हमने ले लिया इतना पता चला है अभी निकालना है ओ पी ओ पी के एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स निकालना है मुझे निकालना है इसमें एक्स वीन एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स निकालना है मतलब माइनस बी बाई टू निकालना है ये निकालना है हमें क्वेश्चन है मुश्किल नहीं है ये बिल्कुल की तरह नहीं है 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 ये ये मतलब पहले हमें हमें मैं कर दिया मैंने देखो -D by है. वो मेरे को को में डालता मुझे थ्री गिवन है अभी कंडीशन देखते हैं जो क्वेश्चन में गिवन थी मैं इसको ऊपर तो नीचे लिख रहा हूं लाके क्या मुझे given है question है B square equals to 2B, bracket open कर प्लस

अब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो माइनस बी बाई टू है बन गया पूरा अपना भी बन गया देखो ये इक्वल टू थ्री माइनस बी बाई टू है यही तो चाहिए था एक्स क्वारेंट ऑफ वर्टेक्स यही ओ पी है ओ पी थ्री बन गया देखो एक्स क्वारेंट ऑफ वर्टेक्स ये एक फॉमूला बन गया ना इसका ये कि बन गया एक्स क्वारेंट ऑफ वर्टेक्स एक्स थ्री आ गया दैट इज ओ पी ओ पी थ्री आ गया ओ पी भी थ्री है ए पी थ्री था तो ओ पी भी थ्री आ गया इस क्वेश्चन में ये था तो क्वेश्चन इजी था ये वर्टेक्स आइडेंटिफाई करना था वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स का यूज करना था और उसको थोड़ा सा करना था, जो तो अब थोड़ा अगले टॉपिक पे चलते हैं यू नो अभी फंक्शन मैंने समझाया था फंक्शन की डोमेन रेंज क्या होती है आपने पक्का पढ़ी होगी क्विक रिवीजन देख लें कि ये मेरा फंक्शन है जो कि रियल वैल्यूड फंक्शन है ध्यान रखना रियल वैल्यूड है मतलब क्या हो गया कि यहां से जो x है वो तो रियल वेरिएबल है ही है रियल इनपुट कर सकते हैं इसके अंदर कोई भी नॉन रियल वैल्यू इनपुट नहीं हो सकती इस फंक्शन में क्योंकि रियल वैल्यूड फंक्शन है और जो आउटपुट y आ रहा है y कैन टेक रियल वैल्यूज तो x भी रियल वैल्यूज ले सकता है y भी रियल वैल्यूज ले सकता है ये ध्यान देना है हमें राइट अब डोमेन क्या है मेरी डोमेन है राइट कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स

Y can possess, Y can take. Output coming out of the output of output of this box, output of box जो होगा ना वो है Y, जो box का output है। जो input कर सकते हैं और जिसे corresponding हमें output मिल रहा है, collection of all the input values to this operator or or box, is domain, whatever coming out is the range. तो ये brief था domain range का। अब ये चीज़ देखो आप, एक quick example देख लेते हैं, function है y equals to root of एक्सक्वेयर माइनस वन इसकी डोमेन पे काम कर रहे हैं डोमेन क्या होती है डोमेन होती है इसकी ये देखो आप ये पता है आपको कि रूट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता क्योंकि वो फिर नॉन रियल बन जाता है हम रियल फंक्शन की बात कर रहे हैं तो ये कंडीशन आती है मैंने आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक में पढ़ा होगा एक्स स्क्वेयर माइनस वन ग्रेडेदन इक्वल टू जीरो होना चाहिए ये है ये नेगेटिव नहीं आ सकता स्क्वायर रूट के अंदर ये ग्रेड देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए फिर इसको हम क्वाड्रेटिक इन को सॉल्व कर लेते हैं ये देखो ऐसे लिख के फिर मैंने सॉल्व कर लिया इसको ये माइनस वन ये वन और रिजल्ट है, अगर जीरो है तो सेट विल बी आउटसाइड तो याद रखना है आपने ये रिजल्ट होते हैं कि एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी अगर लेस देन इक्वल टू तो जीरो है तो बीच में आता आंसर इंक्लूडिंग ए एंड बी बट बिटवीन ए एंड बी लेस का साइन है अगर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लेस देन जीरो आता खाली तो एंड पॉइंट नहीं लेने खाली ओपन लेने हैं क्विक मैं बता रहा हूं आपको अगर ग्रेटर का साइन आ जाता है ऐसे ग्रेटर देन इक्वल टू है तो आउटसाइड ए एन बी होना चाहिए ध्यान रखना आउटसाइड ए एन बी राइट तो बी के बाहर सोल्यूशन सेट होगा लेकिन इंक्लूडिंग ए एन बी होगा क्योंकि इक्वल टू साइन यहाँ पे है ये है और अगर इक्वल टू साइन नहीं है तो हमें ए और बी को इंक्लूड नहीं करना है सिर्फ सोल्यूशन सेट को ए ए और बी के आउटसाइड लेना है ये ध्यान रखना है ये मैंने क्विक आपको रिवीजन करा दिया कि अगर क्वारिटिक एक्सप्रेशन है फेटराइज है तो ये रिजल्ट्स हम यूज़ करते हैं टू से द फाइनल आंसर तुमने यहाँ पे उसी से मैंने ग्रेटर दैन इक्वल टू का साइन था तो मैंने बता दिया इस सोल्यूशन सेट इसके बाहर होगा बट ये ध्यान रखना जो ऑफ ऑफेक्ट है सब में पॉजिटिव होना चाहिए तभी रिजल्ट काम आएगा ये तभी लगा सकते हैं सबको पॉजिटिव करना पड़ेगा नहीं तो तो ये मेरा बताया था डोमेन का मतलब कि हमें देखना है कि वाई रियल वैल्यू पोजेस कर पाए अगर कहीं भी ऐसा हो वाई की नॉन रियल वैल्यूज़ आ सकती हैं तो वो एक्स की वैल्यूज़ को काटना है हमें अब हमने अब अगर आप देखो कि जो लॉग फंक्शन है वाई इक्वल्स टू लॉग्रिथ फंक्शन है पूरा तो नहीं पढ़ सकते पूरी क्लास बनती है इससे तो पूरी सारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह लॉग के पढ़ेंगे तो भी ग्राफ देख लेते हैं इसको ये ध्यान रखना जब भी लॉग एस डिफाइन कराए तो एक्स ग्रेटर दैन जीरो होना चाहिए ध्यान रखना डोमेन है उसकी लॉग ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड राइट और ये जो बेस है ये जो बेस पे ए लिखा हुआ है इस पर कंडीशन है ये भी नेगेटिव नहीं हो सकता राइट right? ये भी ग्रेटर दन ज़ीरो होगा बट ये वन भी नहीं हो सकता ए नॉट इक्वल टू वन बेस पॉजिटिव होगा और वन भी नहीं हो सकता तो ए को ए ऐसे लिखना है ये यह यहां पे एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी सेट नोटेशन फॉर्म है ये डोमेन है ए पे क्या स्कोप है ए बिलोंग्स टू जीरो टू वन ओपन वन टू इंफिनिटी ये इसका स्कोप है ए पॉजिटिव होना चाहिए और बट वन भी नहीं हो सकता बेस वन नहीं हो सकता नहीं तो लॉग फंक्शन नहीं बनेगा याद रखना आपने ये लॉग के होने एग्जिस्ट होने की, की चीजें हैं कि लॉग में जो क्वांटिटी है ये पॉजिटिव होनी चाहिए ग्रेटर देन जीरो और ए ये होना चाहिए वो भी पॉजिटिव होना चाहिए लेकिन वन नहीं हो सकता दो चीजों का ध्यान रखना आपने राइट अब इसका जो ग्राफ है लॉग फंक्शन का वो ऐसा ग्राफ होगा दो ग्राफ होते हैं इसके ग्राफ ऐसा राइजिंग ग्राफ होता है ये तब ग्राफ होगा जब मेरा बेस ग्रेटर देन वन है वन से बड़ा है बेस वन तो हो नहीं सकता तो वन से बड़ा है तो यह ग्राफ होगा और मेरा बेस जीरो टू वन के बीच में है तो ग्राफ मेरा ऐसे फॉलिंग होगा यह ग्राफ होगा यह बेस जीरो टू वन के बीच में ऐसे ग्राफ फॉल करेगा दो ग्राफ होंगे और बेस बेसिव यहां ग्राफ नहीं है क्योंकि एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता एक्स ग्रेटर जीरो है नेगेटिव एक्स की वैल्यूज के लिए वाई है नहीं कोई यहाँ पे आएगा नहीं देखो ना अगर हम इस बॉक्स में लॉग एक्स को मैं अगर बॉक्स में लिखू ऑपरेटर में लिखूँ ऐसे तो आई यहाँ पे मैं खाली एक्स केटेजन जीरो वैल्यू फीड कर सकता हूँ नेगेटिव वैल्यू फीड ही नहीं कर सकता वाई आ ही नहीं सकता नेगेटिव वैल्यू पे तो ग्राफ में पॉइंट कैसे आएंगे फिर एक्स नेगेटिव पे तो इसलिए इस साइड पर ग्राफ ही नहीं है तो ये आपने ग्राफ दोनों याद रखने राइट और ये हम कहते हैं ये लाइन इसको ऐसे जाके वाई एक्सो मीट नहीं करेगी हमेशा अप्रोच करती रहेगी ऐसे इनके बीच में एक डिस्टेंस कम होता रहेगा अगर आपने नाम नहीं सुना है तो इस लाइन को यहाँ वो इस सिचुएशन को लाइन को बोलते हैं असिम टोट ए एस वाई एम पी टी ओ टी असिम टोट है ये ग्राफ जिस लाइन को अप्रोच करता है उसको हम सिम टोट कहते हैं कभी मिलेगा नहीं सिर्फ उसे अप्रोच करता रहता है उसके पास ही जाता रहता है उस लाइन को बोलते हैं असिम टोट तो कीप कीप दिस इन माइंड राइट ये सिम टोट है तो ये ग्राफ याद करने हैं और ऐसे अपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ याद करना है एड पर एक्स फंक्शन का ग्राफ याद करना है वो ग्राफ ऐसे राइज करता है वो अगर बेस राइट एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये ध्यान रखना है जो बेस है वो सेम है बेस देन जीरो बेस का भी सेम स्कोप है जो लॉग फंक्शन था ए बिलोंग्स टू जीरो टू वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी इसका भी यही स्कोप है बेस यही होना चाहिए नहीं तो नई बात बनेगी उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं बोलेंगे ये है वन बेस देन वन ये ग्राफ है जो आपने ध्यान रखना है राइज कर रहा है ग्राफ फॉल करता है इस तरह से ये ग्राफ है ए अगर बेस मेरा जीरो टू वन के बीच में आता है ये ग्राफ है जीरो टू वन में ये ग्राफ है फॉलिंग ग्राफ नीचे की तरफ फॉल कर रहा है और ग्रेटर देन वन में राइजिंग ग्राफ है ग्राफ दोनों तो याद रखने हैं और ये जो लाइन है मेरी इस बार यहाँ देखो ग्राफ अप्रोच कर रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन है ग्राफ इसको अप्रोच कर रहा है इसके पास जा रहा है कभी मीट नहीं करेगा इसको ये मेरा हॉरिजॉन्टल सीम्टोट हो गया असिमटोट ही देख लो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसलिए मैं हॉरिजॉन्टल वर्ड यूज़ कर रहा था बट ये यसिमटोट है इस फंक्शन में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बस ये ध्यान रखना मिलेगा नहीं जिसने पहली बार देखा है ऐसा सिनेरियो वो देखे इसको मिलेगा नहीं अब कम उत्पाद आता जाएगा मीट नहीं करेगा असीम टोड नाम है इसका तो ये मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग के बारे में थोड़ा बताया है अब देखते हैं इन इन पे क्वेश्चंस किस तरह के मेरे पास हैं वो देखते हैं कि ग्राफ वाले क्वेश्चन पर फोकस है मेरा सारा इस क्लास के अंदर तो ये अगर आप देखेंगे फंक्शन क्या है इसके लिए आपको एक चीज़ और देखनी पड़ेगी हम पीछे जाते हैं एक बार एक चीज़ और पढ़ लेते हैं इस फंक्शन के लिए कि आपने आपनेराम sure पढ़ा होगा आपने कि जो ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है मॉड भी कहते हैं मॉड का जो फंक्शन है वो वो बहुत ज्यादा क्वाड्रेटिक में इन्वॉल्व रहता है वो तो उसका एक बार मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं आपने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा तो आपने कि जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है मुझे मेरा नंबर फाइव है उसके एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है तो वो फाइव ही रहती है क्योंकि कुछ करने को नहीं है हमें एब्सरल वैल्यू का मतलब होता है नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करो उसमें से साइन हटा दो ये मतलब वैल्यू का और फाइव के पास तो साइन है नहीं कोई भी फाइव पॉजिटिव है साइन नहीं है नेगेटिव साइन को हटाना है हाँ अगर माइनस फाइव होता तो मैं उसको फाइव करता हूँ ये मतलब मॉडल साइन का एब्सोल्यूट वैल्यू का कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस फाइव इज फाइव कि साइन हटा के क्या वैल्यू है फाइव है तो ये ध्यान रखना किस तरह से करता है ये मॉड फंक्शन ये जो माइनस फाइव है उसने क्या किया माइनस फाइव को ऐसे करा माइनस फाइव की नेगेटिव वैल्यू थी उसको पॉजिटिव करने के लिए माइनस लगा दिया ये, ये ध्यान

कि x मेरा अगर पॉजिटिव है x ग्रेटर देन जीरो है तो ये x के इक्वल है और x अगर मेरा नेगेटिव है तो वैल्यू उसकी माइनस एक्स हो गई है ये आ गया जीरो पे यहाँ पे कहीं भी इक्वल टू साइन लगाते हैं ये फंक्शन अगर आपने इस तरह से पहले नहीं देखा है कि दो पार्ट में स्प्लिट हो गया आपने कभी नहीं पढ़ा था क्वाड्रेटिक में इसे कहते हैं हम कंपाउंड फंक्शन कि इसमें मल्टीपल पीसिस हैं इसके कंपाउंड फंक्शन या पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन पीस वाइज डिफाइंड मल्टीपल पीसेज जहाँ आते हैं अभी फंक्शन का पार्ट है फंक्शन टॉपिक में आएगा ये नहीं पढ़ा कोई बात नहीं हम ब्रीफली मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया कि जब भी एक फंक्शन में मल्टीपल पीसेज होंगे एक से ज्यादा पीसेज होंगे उसको हम कहते हैं कंपाउंड फंक्शन या पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन ये उस तरह से नहीं है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनामर में उसमें कोई भी एक्स इनपुट करेंगे उसको सेम तरह से ट्रीट करते हैं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है हर एक्स की वैल्यू के लिए सेम फंक्शन है वाई सेम तरह से काम करता है यहाँ डिस्क्रिमिनेशन की तरह काम कर रहा है पॉजिटिव है तो एक्स आंसर आता है नेगेटिव है तो माइनस एक्स आ रहा है जब भी पीसेस ऐसे आ जाते हैं फॉर सम वैल्यूज ऑफ एक्स ऑपरेट लाइक दिस फॉर अदर वैल्यूज ऑपरेट लाइक दिस उससे हम कहते हैं पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है तो मॉड एक्स पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है ये इस तरह का फंक्शन है पॉजिटिव के लिए एक्स करना है

नॉट एक्स बट सम फंक्शन मॉड एक्स आ जाए मॉड ऑफ इफेक्ट्स आ जाए समय मॉड के अंदर सम फंक्शन फंक्शन बैठा हुआ है तो तब भी हमारा तरीका सेम होगा इसका यह इफेक्ट हो जाएगा यह हटा दिया मैंने मॉड कब हटा सकता हूँ मॉड में मेरा एफेक्ट ग्रेडर इक्वल टू जीरो है पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है तो मॉड काम नहीं करता है अभी हमने समझा था दोबारा समझ लेते हैं जो मा, हमारा माइनस थ्री है मॉड लगा रहे हैं तो वो काम करेगा थ्री लेकिन अगर पॉजिटिव है तो मॉड काम नहीं करता है सेम हो गया हमने ये पॉजिटिव क्वांटिटी ये पॉजिटिव है मोड मॉड कुछ करने को नहीं है हाँ अगर एफ एक्स नेगेटिव होता ये नेगेटिव होता तो मॉड एक माइनस लगाता है उसके आगे ये है तो जब भी ऐसे मॉड एक्स आएगा इस तरह से हम से, ये मॉड ऑफ एफ एक्स आ जाएगा मॉड के अंदर फंक्शन बैठा हुआ है इस तरह से हम स्प्लिट कर सकते हैं ये ध्यान रखना आपने कि जैसे मेरा आ गया मॉड ऑफ एक्स प्लस वन आ गया तो मेरा ही मैं इसको एक्स प्लस वन लिख दूंगा कब जब एक्स प्लस वन मेरा पॉजिटिव है Equal to अगर X plus one है, क्या ये पढ़ा है तो आपको आता ही होगा इस तरह से हम मॉडल फंक्शन पे काम करते हैं क्वान्टिटी इन साइड पॉजिटिव है तो मॉड हट जाता है कोई काम नहीं करता लेकिन क्वान्टिटी इन साइड नेगेटिव है तो मॉड माइनस लगा देता है इस ऑपरेशन को करने के लिए अपना आप दो पीसिस आ जाते हैं देखो आप। कि पहला पीस है पॉजिटिव साइड वाला दूसरा पीस नेगेटिव साइड वाला है तभी फंक्शंस 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 कंपाउंड हैं। अब हम बढ़ते इस क्वेश्चन पे आते हैं इसको देखो सबसे पहले मैंने क्या किया है? इस क्वेश्चन के अंदर ये मैंने हटा दिया। मैंने ये जो है, अगर पॉजिटिव है लॉग ऑफ ये अगर ये देन जीरो है तो मॉड ने कुछ नहीं करना मॉड हटके क्या हो जाएगा लॉग ऑफ टू एक्स डिवाइड बाय सेम हो गया देखो आप ये कैंसिल होके वन हो गया ये मॉड हटाते ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो गए मैंने कैंसिल कर दिया वन आंसर आ गया लेकिन लॉग ऑफ एक्स ऑन बेस टू नेगेटिव है अगर लॉग नेगेटिव है मेरा ऑन बेस टू तो मेरा ये मॉड हटेगा तो माइनस लगा के हटेगा ये देखना अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव थी ये देखो नेगेटिव क्वांटिटी थी मॉड के अंदर जो ये मॉड हटा तो माइनस छोड़ के जाएगा माइनस छोड़ के जाने से ये तो मेरा कैंसिल हो गया लेकिन माइनस वन आ गया ये आ गया तो मैंने अगर समझे अभी क्या देखा है हमने क्या इसको समराइज यहां लिखू मैंने अब फंक्शन ऐसे चेंज हो गया है मेरा अगर क्वांटिटी इनसाइड जो लॉग थी बेस टू पे अगर वो ग्रेटर देन दे जीरो है तो आंसर वन लो अगर यही क्वान्टिटी अगर लेस देन जीरो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मान लेते हैं तो ये माइनस वन लो इक्वल टू तो कहीं भी लगा सकते हैं फर्क नहीं पड़ता वन या माइनस वन है तो राइट एक चीज और भी देखनी पड़ेगी इसके अंदर इक्वल टू साइन हटाना पड़ेगा क्योंकि क्योंकि लॉग ऑफ एक्स ऑन बेस टू अगर जीरो है तो ये नॉट डिफाइंड है ये समझना क्यों क्योंकि ऊपर जाके देखो अगर ये देखो अगर ये जीरो तो हो, अगर ये जीरो हो गया डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाता है डिनोमिनेटर नेवर जीरो तो यही तो कह रहे हैं इस फंक्शन के अंदर ये जो है लॉग ऑफ एन एक्स ऑन बेस टू कैन नॉट बी जीरो द मोमेंट इट इज जीरोम जीरो डिनोमिनेटर बिकम्स जीरो एंड मीनिंगलेस तो वो तो जीरो हो नहीं सकता नॉट डिफाइंड है ये कभी जीरो नहीं हो सकता नॉट डिफाइंड कर दिया जब भी जीरो अब मैं ग्राफ कैसे बना सकता हूँ उसका देखो आप मुझे ग्राफ ही बना के बताना है मुझे लॉग एक्सा ग्राफ पता है मैं पर लॉक का ग्राफ बना रहा हूँ देखो आप मेरा लॉग का ग्राफ ये है ऑन बेस टू राइजिंग ग्राफ ये क्यों बर आए दो ग्राफ थे अगर पीछे याद नहीं हुए होंगे पीछे थे ग्राफ मेरे लॉग ऑफ एक्स ऑन बेस ए का ग्राफ है जब ए गडन जीरो है, A, A देन तो ये ग्राफ था राइजिंग ग्राफ था और यहाँ पे इस केस में ए टू है उनसे बड़ा है से बेस वन से बड़ा है से बड़ा होगा, तो ग्राफ राइजिंग होगा, होगा, तो होगा बेस जीरोना है, है अब हम कह रहे हैं यहाँ पे देखो लॉग जहाँ पॉजिटिव है ये ग्राफ बना हुआ आपके सारे सामने जहाँ वो पॉजिटिव है ये पॉजिटिव पार्ट होता है लॉग ग्राफ का ये पॉजिटिव पार्ट होता है जो अब लाइक करता है राइट तो यहाँ पे जो इस वाले पार्ट में लॉग ऑफ एक्स एन बेस टू ग्रटर जीरो है ऐसे नेगेटिव पार्ट कहाँ पे होता है अगर मैं कलर चेंज करके दिखाऊँ मैं ये तो मैंने ये आ, ये कलर लिया ये जो पार्ट है मेरा देखो मैं नहीं कलर ये ये से ले लेता हूँ कलर पे जान में नहीं आ रहा ये कलर देखो आप ये मेरा नेगेटिव जो मैंने शेड किया है नेगेटिव यहाँ पे यहाँ पे लॉग ऑफ एक्स ऑन बेस टू नेगेटिव है जो पार्ट बिलो एक्स एक्सेस है वहाँ पे फंक्शन नेगेटिव है जो पार्ट अबव एक्स एक्सेस है फंक्शन पॉजिटिव है क्योंकि वाई है ना ये वाई पॉजिटिव है तो अब देखो और ये ज़ीरो है ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये है लॉग ऑफ एक्स बेस टू यहाँ जीरो ग्राफ मेरा कैसे बना समझने में टाइम लग रहा है कि मैं समझ रहा हूँ पहली बार कर रहे हैं कि जब भी लॉग पॉजिटिव है इस पार्ट में तो फंक्शन ग्राफ क्या बनेगा वन बना दो वन लाइन हमने उठा के यहाँ पे वन लाइन बना दी वन लाइन ये वन पॉइंट है हर वेज हर पॉइंट पे जहाँ लॉग एक्स पॉजिटिव है ग्रेटर देन जीरो पूरा ग्राफ जो यहाँ से चल रही है ये पूरा ग्राफ जो लॉग का है ये पूरा ग्राफ जो लॉग का है यहां पे लॉग पॉजिटिव है और जहां पॉजिटिव होगा लॉग, वहाँ फंक्शन का ग्राफ क्या होगा इफेक्ट का वन होगा मैंने वन लाइन बना दी जहां भी लॉग नेगेटिव है ये नेगेटिव है वहां माइनस वन लाइन बना दो हमने माइनस वन लाइन बना दी वहां तक यहीं तक राइट यहाँ पे इसकी बाद तो ग्राफ ही नहीं है और जहाँ जीरो है उसको कुछ मत बनाओ छोड़ दो नॉट डिफाइंड है यहाँ पे छोड़ दो नॉट डिफाइंड छोड़ दिया तो मेरा अब मैं अलग से देखूँ तो मेरा ये सिर्फ जो मेरा हॉर्जेंटल लाइन्स है वाला ग्राफ बचा तो मेरा वन के आगे ये ग्राफ था जीरो टू वन में ये ग्राफ है मेरा माइनस ये वन और यहाँ पे ओपन है ग्राफ क्योंकि वैल्यू है नहीं तो हमने देखा है कि जहाँ भी लॉग पॉजिटिव था जो भी लॉग का ग्राफ था अब था वहां पे वन कर दो मैं इसी को पढ़ रहा हूँ जहां भी मेरा लॉग पॉजिटिव है मतलब जहां भी लॉ का ग्राफ अब एक्स एक्सेस है वहां लॉग पॉजिटिव है वहां पे वन कर दो लाइन वन ले लो जहां भी लॉग नेगेटिव है लॉ का ग्राफ बिलो एक्स एक्सेस है उसमें माइनस वन कर दो और जहां भी लॉग जीरो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सेस है लॉक के ग्राफ पे जो वन पे होता है वहां ओपन कर दो वहाँ नॉट डिफाइंड है इन तीनों को मिला के हमने लॉक के ग्राफ से इसका ग्राफ बना लिया जो कि चॉइस मेरी ए मैच ए मैच कर रही है या

एम की पावर में लिखा हुआ लॉग ऑफ से ऐसे समझ लो ए के पावर में लिखा हुआ लॉग ऑफ बी ऑन बे तो ये, ये बी बन जाता है ये प्रॉपर्टी है ये मतलब है ऑफ कोर्स जो स्कोप है वो होगा बी इसमें जो बी ग्रेटर जीरो होगा राइट और ए बी जो बेस में लिखा है ए बी ग्रेटर देन जीरो होगा बट ए नॉट इक्वल टू वन जो स्कोप होता है पढ़ा है हमें लॉ का स्कोप तो बेस का स्कोप पढ़ा है लॉ का स्कोप पढ़ा वही ये तो ये मेरा ऐसे लिख सकते हो आप कैसे दोबारा प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ पे यहाँ पे टू है इसके पावर में लॉग लिखा हुआ है और जो ये बेस टू है वो यहाँ भी लिखा है सेम है ये दोनों मैच कर रहे हैं और यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है इसको सिंपलीफाई करके आप एक्स लिख सकते हो ये प्रॉपर्टी है लॉग की नहीं तो अभी आपने पढ़ी है तो अच्छी बात है नहीं पढ़ी है तो ये प्रॉपर्टी आपको पढ़नी पड़ेगी ऐसे और प्रॉपर्टीज भी होती हैं लॉ की लॉग ऑफ बी ऑन बेस है इक्वल टू एम है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए की, की पावर में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकता हूँ बी इक्वल टू ए की पावर में एम है राइट तो लॉग अगर ये है किसी भी बेस पे एम पे दो नंबर्स के प्रोडक्ट का लॉग लिया हुआ है उसको मैं ऐसे लिख सकते हैं उसी बेस पे लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी ऑन द सेम बेस ये मतलब है कि लॉग ऑफ प्रोडक्ट इज सेम एज यू नो समेर लॉग्स दिस इज सेम वे तो मैं प्रॉपर्टी पढ़ा नहीं रहा हूँ बता रहा हूँ कि इस तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप अगर आपने पढ़ी हैं अच्छी बात है लेकिन पढ़नी पड़ती हैं अभी नहीं पढ़ने पढ़ेंगे तो बाद में फंक्शन टॉपिक में पढ़नी पड़ेगी इस तरह से कम से कम पंद्रह दस 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 एक प्रॉपर्टीज होंगी जो आपको याद करनी होगी हमने एक प्रॉपर्टी की बात की है क्योंकि वो क्वेश्चन उसी के अराउंड था तो क्वेश्चन बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है अगर आप देखो क्योंकि इसको जैसे ही आप देखोगे अभी मैंने इस प्रॉपर्टी को नीचे लिखा है

है है है स्कोप तो अब, अब, अब फ, ग्राफ लाइन लाइन बनानी ध्यान रखना है कि एक्स देन जीरो होना चाहिए राइट और एक्स वन भी नहीं होना चाहिए इन दोनों को मिलाओगे तो ये मेरा ग्राफ आ रहा है देखो आप एक्स पॉजिटिव होना चाहिए और एक्स वन भी नहीं होना चाहिए ये ग्राफ है, टू, टू टू ही है लेकिन हमने लाइन इस तरह से बनाई है स्कोप एक्स का सही होना चाहिए अगेन आई रिपीट कि मैंने एक्स की पावर में लॉग ऑफ टू ऑन बेस एक्स था इसको टू सिंप्लीफाई कर लिया तो खाली य, 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 ये ये ये, ये मत टिक करना टू ग्राफ है स्कोप भी देखना है जो एक्स यहाँ बेस में लिखा हुआ है वो जीरो से नेगेटिव नहीं हो सकता वो एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है और वन भी नहीं होता वो तो ये खाली इतना पार्ट रह जाएगा राइट दैट्स तो ये हमारा जो हमने आ... जो डोमेन की बात करनी है इस क्वेश्चन में डोमेन हमने समझा था रिवाइज किया था डोमेन क्या है ये मेरा बी स्क्स बीस स्क्वेयर माइनस फोर ए सी जीरो है मतलब डिस्क्रिमिनेंट जीरो है एक अडजन जीरो है ये अगर याद हो आपको इस केस में क्या ग्राफ आएगा इस केस में पैराबोला ऐसा है मेरा कंप्लीटली पॉजिटिव है राइट यहाँ पर एक, एक पॉइंट पे टच कंप्लीटली पॉजिटिव नहीं एक पॉइंट पे टच कर, कर रहा है डी जीरो मतलब पैराबोला टच कर रहा है एक अडजन जीरो मतलब ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है और टच कर रहा है ये केस पहले लिख लिया आपने अब मेरा फंक्शन ये है राइट मुझे क्या करना है मुझे इसकी डोमेन निकालनी है इस फंक्शन की तो ग्राफ की जरूरत नहीं होगी इस क्वेश्चन में यहाँ पे अगर हम देखें तो एफ एक्स जो है मेरा लॉग और जो मेरा अगर बेस लिखा नहीं हुआ है तो बेस को ई लेते हैं मतलब मतलिको बेशक बेस इफ बेस इज नॉट मेन्शन इट इज़ यू नो नेचुरल लॉग है बेस ऑन या नेचुरल लॉग है बेस ई पे नेचुरल लॉग बोलते हैं अगर बेस टेन होता है तो कॉमन लॉग है कॉमन लॉग नहीं नेचुरल लॉग है ई है बेस मैंशन नहीं है तो राइट मतलब मतलिको बेशक तो ये ऐसे हो गया अब मैं इसको ध्यान अगर मैं इसको देखता हूँ इसको मैं रीअरेंज करता हूँ थोड़ा सा ये देखना था इसमें ए एक्स क्यूब है उसके साथ कंबाइन कर रहा हूं मैं AX और फिर साथ में बी एक्स भी कम्बाइन कर रहा हूं उसके साथ और जो टर्म बच गई है मेरी देखना जो टर्म बच गई है कौन सी टर्म बची गई यहाँ से BX बचा है। बी एक्स स्क्चा है राइट बी एक्स स्क्चा है तो हमने यहाँ पे सॉरी बी एक्स स्क् था क्या बचा ए एक्स बच गया ये बी एक्स यहाँ से गायब कर दिया यहाँ से सी एक्स गायब कर दिया ए एक्स क्यूब इनको कम्बाइन कर लिया ये भी सी एक्स था ये भी मेरा मैं दोबारा करते हैं एक बार तो यहाँ पे मुझे क्या करना है कर रीअरेंज रे, करना है इनको रीअरेंज करने में मैंने क्या किया है कि मेरा यहाँ से ए लिया मैंने कम्बाइन किया यहाँ से मेरा बी है और यहां से मेरा सी एक्स ये कंबाई ये तीन टर्म मैंने ऐसे कम्बाइन किया चलेगा क्यों कम्बाइन कर रहा हूं क्या बचा फिर यहाँ पे बी एक्स स्क्वायर यहाँ बचा मेरा ए एक्स स्क्वायर यहाँ बचा मेरा यहाँ से बी एक्स बचेगा और यहां से सी बचेगा ये बी एक्स बचेगा और सी बचेगा ये मैंने इस तरह से लिख लिया क्यों क्योंकि आप देखो अब ये फैक्टराइज करने का तरीका मैं फैक्टराइज कर रहा हूं इसको यहां से मैंने एक्स कॉमन ले लिया बच गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये भी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है फैक्ट्राइजेशन तो कैसे किया बाइंग कर लिया हमने ये मेरा पूरा एक्सप्रेशन कॉमन ही आ गया plus BX plus C, अंदर क्या बचेगा बचा 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 या वन बचा, प्लस वन बचा। तो लॉक के अंदर मैंने फैक्ट्राइज किया सबसे पहले अगर अगर ध्यान से लॉक के रीअरेंज किया कि मैंने क्वाड्रेटिक बन सकता है अगर मैं एक्स कॉमन ले लू ऐसे यहाँ बी एक्स है तो एक्स कॉमन लिया तो बी एक्स बच जाएगा यहाँ सी एक्स आ रहा है एक्स तो कॉमन लिया तो सी बच, तो बच जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मुझे दिखना शुरू हो गया था एक्स कॉमन लेके मेरा टिपिकल स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन रहा था अगर मैं एक्स कॉमन लेता हूं और जो टर्म बच गई है वो वो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बना है वो कॉमन ले लिया आपने ऐसे हमने फैक्टराइज कर लिया यहाँ पे कुछ लोग यहाँ अटक सकते हैं कि पहले आई नहीं आ रहा कैसे करें इतना बड़ा एक्सप्रेशन है छह टर्म्स हैं लेकिन टर्म्स फैक्टराइज हो रही थी ऐसे अब डोमेन की जब बात करते हैं पता है आपको डोमेन क्या होता है लॉग में जो एक्सप्रेशन है ये वाला एक्सप्रेशन ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता ग्रेटर दैन जीरो जीरो भी नहीं हो सकता ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए तो यहाँ पे हम कह रहे हैं ए एक्स स्क्वायेर प्लस बी एक्स प्लस सी मल्टीप्लाइड विद एक्स प्लस वन शुड बी ग्रेटर देन जीरो ये होना चाहिए राइट right, ये होना चाहिए अब इसके बाद हमें बोलता हूँ ये जो एक्सप्रेशन है ये तो पता ही कि हमें हमेशा पॉजिटिव होता है ज़ीरो भी हो सकता है वो 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 ध्यान रखना पड़ेगा तो एक तो मेरा यहाँ से आ गया इसके डोमेन क्या आई तो एक तो इसको मैंने अभी हटा दिया बाद में ये भी देख लेते हैं कि एक तो ये होना चाहिए कि ये कंप्लीटली पॉजिटिव है तो ये मैंने क्या करा है इसको ऐसे ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव है ये जीरो भी हो सकता अभी देखते हैं वो वोला केस मतलब पहला केस हमने ये ले लिया कि ये ज़ीरो छोड़ के कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है वो ग्रेटर देन जीरो है राइट right? तो यहाँ पे इसको मैंने डिवाइड कर दिया फिर x प्लस वन जीरो पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं यहाँ से आगे x केडे दिन माइनस वन होना चाहिए अगर ये पॉजिटिव है तो x केटे दिन माइनस वन होना चाहिए लेकिन तो ये मेरा आंसर आ रहा है लेकिन और ये पॉजिटिव कब होता है ये पॉजिटिव कब होगा x नॉट इक्वल टू माइनस बी बाई टू है क्योंकि माइनस बी बाई टू है वट पे ये ये हो जाता है ये देखो अब ये मतलब है राइट right? हमें एक्स कैटे दिन माइनस वन आ रहा है और मुझे ये भी ध्यान रखना है कि ये expression 0 होना चाहिए, राइट right? तो जैसे भी आप मतलब उसको दो अलग तरीके से समझा sure right? तो मेरा ये हो गया कि मैं कह रहा हूं ये भी देन जीरो होना चाहिए ऐसे समझ लो एंड एक्स प्लस वन भी ग्रेडर दिन जीरो मतलब नेगेटिव होना चाहिए लेकिन ये नेगेटिव कभी हो नहीं सकता ये दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो मतलब दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। लेकिन ये तो नेगेटिव हो नहीं सकता ये हमने अभी ऊपर देखा था तो 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 यहाँ से, ये कब होता है, यहां से क्या आ रहा है you know, और यहां से आ रहा है इंटरसेक्शन लेना है हमें तो ये हमने देख लिया दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे ये देखो दोनों को कॉमन पार्ट ले रहा है ये कह रहा है सारी वैल्यूज इसको छोड़ दो ये कह रहा सिर्फ वाला पार्ट है लेकिन ये ध्यान है, vertex अगर हटाना पड़ेगा तभी आंसर इस तरह से लिखा हुआ है दिस एक्सक्लूडिंग एक्स बिलोंग्स टू करी ब्रैकेट माइनस बी बाई टू ये करना है आंसर ये ले लो लेकिन ये अगर आ रहा है बीच में पता नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा हमें अगर आ रहा है तो हटा देना तो चॉइसेस अगर हम देखेंगे तो क्या आ रही है क्योंकि ये तो है ही नहीं आंसर में आ ही नहीं रहा ना ये तो हमने अब यहाँ पे जाके देखा कि आंसर हमने कैसे बनाया है इसको इस तरह से आंसर बनाया है कि ये आंसर ले लो माइनस वन टू इन्फिनिटी इसका इंटरसेक्शन कर दो वो पूरा पूरा ये दो आंसर आ गए ना दोनों को इंटरसे ऐसे आंसर देना पड़ा है हमें ये आंसर करेक्ट आ रहा है इन दोनों का जो कॉमन सोल्यूशन है ले लो क्योंकि तो पता नहीं इसकी वैल्यू क्या है माइनस वी बाई टू है कि तो आंसर लिखने का स्टाइल होता है जैसे मैंने कहा था दिस एंड दिस ये आंसर यहां लिखा है ना कि दिस एंड दिस ये देखो आप यहाँ पे दिस एंड दिस लिखा है मैंने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है तो हम ले नहीं पा रहे इंटरसेक्शन क्योंकि हमें वैल्यू नहीं पता माइनज बटूगी क्या है तो उसी को हमने लिख दिया इंटरसेक्शन को बस ये ये साइन चेंज कर दिया ऐसे आंसर लिखा है दिस इंटरसेक्शन विद ग्रेटर माइनस वन ये आंसर ऐसे लिखा हो यही आंसर है जो मैंने लिखा है यही आंसर ऊपर लिखा देखो यही आंसर है आर माइनस दिस इंटरसेक्शन विद दिस राइट

कॉमा एक्स स्क्वायर क्या क्या कहीं पे मैक्स भी, भी हो सकता है ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है मैक्स ऑफ एफ एक्स क्या मैक्स ऑफ जी एक्स कॉमा एच एक्स करने का तरीका सेम है बट एक एक मैक्स वाला ऑपरेटर वाला क्वेश्चन हो सकता है एक मिन ऑपरेटर वाला क्वेश्चन हो सकता है अगर आपने नहीं पहले किया है इस क्वेश्चन को इस तरह से तो बड़ा इजी मेथड है टिपिकल मेथड है लेकिन पहले किया है तो इजी है तो ये कहता है कि दोनों को मैं ग्राफिकली करते हैं हम क्या कहते हैं इसका ग्राफ भी बना लो और इसका ग्राफ भी बना लो एक्स का ग्राफ बना लिया हमने स्ट्रेट लाइन बन गया का ग्राफ ये का ग्राफ बन गया वाई को टू एक्सा ग्राफ बन गया एक्स स्क्वेयर का ग्राफ भी बनाना है कॉरेटिक पॉइंटोमिल स्क्वेयर का ग्राफ भी बनाना है जो कि आप बना सकते हैं आपको पता है किस तरह से ग्राफ आता है वो ऐसे आता है स्केल ध्यान से रख के ये ऐसे जाएगा जीरो पे मीट करेगा फिर ऐसे घूमेगा और फिर वन पे भी मीट कर रहा है तो दोनों ग्राफ हमने स्केच कर लिए अब हमें क्या कह रहा है कि मिन लेना है दोनों में से दोनों को लेफ्ट टू राइट स्कैन करो और दोनों में जो मिनिमम है उसको उठाओ राइट दोनों में जो मिनिमम है आई जस्ट डूइंग अ टाइम चेक दोनों में मिनिमम को उठाओ अब दोनों ग्राफ को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं मिनिमम मतलब से यह वैल्यू ये मैंने कोई पॉइंट है यहाँ पर माइनस वन होगा फॉर एग्जांपल तो माइनस वन पर कंपेयर करो ये मेरी वैल्यू वन आ रही है और ये वैल्यू माइनस वन पे माइनस वन आ रही है तो ऑब्वियसली किसको उठाओगे मिनिमम वाले को ये उठाओगे आप तो लेफ्ट टू राइट स्कैन करना है ग्राफ पे जो जो पॉइंट्स आ आ रहे हैं, जो y आ रहे हैं हैं कोऑर्डिनेट्स उनसे नीचे वाले वाई लेस जो कम है वो उठाओ कोऑर्डिनेट्स तो हम क्या करते हैं यहां से चलना शुरू करते हैं ग्राफ में लेफ्ट से और जो ग्राफ नीचे आ रहा है जो दोनों में से नीचे वाला ग्राफ है वो उठाते हैं मिन लेना है तो नीचे वाला ग्राफ उठाना है मैक्स है तो ऊपर वाला ग्राफ तो मैंने ये उठाना शुरू कर दिया नीचे वाला ग्राफ क्योंकि मिन ऑपरेटर था मेरा तो जैसे ही मैं जीरो पे आऊंगा अब तक तो मैंने स्ट्रेट लाइन ली है एक्स राइट right? मैं इसको दूसरे कलर से डिफरेंट कलर से बना लेता हूँ ये मैंने देखो ये मैंने उठाया तो मैंने ये उठाया स्ट्रेट लाइन एक्स लेकिन जैसे ही मैं जीरो पे पहुंचूंगा इस बार स्ट्रेट लाइन तो ऊपर निकल गई पैराबोला के ब्लू ग्राफ नीचे आ गया पैराबोला नीचे है तो मैं इस बार पैराबोला को उठाऊंगा ये देखो ये मतलब है जो नीचे ग्राफ है उसको उठाना है आपने ग्राफ बना दिया हमने एक्स स्क्वायर का भी एक्स का भी लेफ्ट राइट स्कैन कर रहे हैं जो ग्राफ नीचे आ रहा है उसको उठा के चल रहे हैं फिर मेरा इस बार चेंज हो गया फिर दोबारा वन पे चेंज हो रहा है पैराबोला ऊपर निकल गया स्ट्रेट लाइन नीचे आ गई एक्स लाइन नीचे आ गई फिर स्ट्रेट लाइन हमने चूज कर लिया जो भी नीचे ग्राफ आएगा दोनों में से उसको उठाते चलेंगे हम तो माइनस माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक तो मेरा ग्राफ स्ट्रेट लाइन एक्स आया है जीरो से वन में मेरा ग्राफ जो आया एक्स स्क्वायेर आ गया फिर मेरा एक्स आ गया ये तीनों को मिला के कंपाउंड फंक्शन बन गया पीस चॉइस तो डिफाइन फंक्शन बन गया अब देखें किस चॉइस में ऐसा हो रहा है कि जीरो से कम एक्स और वन से ज्यादा एक्स बीच में एक्स स्क्वायर जीरो से कम एक्स वन से ज्यादा एक्स और जीरो टू तो वन में एक्स स्क्वायर ये आंसर आ गया राइट ये आंसर मैच कर रहा है तो ये हमने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि जैसे मैं आपको क्या आपने देखा जैसे एफ इक्वल्स टू मैक्स ऑफ़ एक एक्स स्क्शन है एक एक्स माइनस वन होल स्क्वायर है अभी तीसरा फंक्शन भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन एक मतलब एक क्विकली अगर पहली बार देख रहे हैं आप तो मेरा एक एक्स स्क्शन है ये एक्स माइनस वन होल स्क्वायर है वो ऐसे बनेगा पैराबोला और एक मैंने सपोज हाफ ले लिया जस्ट एन एग्जांपल अब तीनों का मैक्स लेना है इस बार आपने मैक्स लेने का मतलब लेफ्ट टू राइट चलेंगे यहां से राइट और जो सबसे ऊपर वाला पैरा बोला है उसको लेके चलना है तो मैंने हाफ ग्राफी बना दी यहां से राइट हाफ लाइन ही बना दी तो मैंने यहां से ये यह पॉइंट दोनों का पॉइंट भी सॉल्व करना पड़ेगा mx2 x 1 होल स्क्वायर तो यहाँ से आ गया एक्स इक्व टू प्लस माइनस एक्स माइनस वन तो ये मेरा एक्स हाफ ही लाइन आ रही है इसमें इतना नहीं बनेगा इसको थ्री बाय फोर लो तो ये बनेगा ये मैं समझाने के लिए लाइन ऊपर जानी चाहिए थ्री बाय फोर क्योंकि ये तो हाफ आ ही रहा था इसलिए हाफ पे वैल्यू क्या आ रही थी एक मिनट वन बाय फोर नहीं ठीक थी? था हाफ भी ठीक है सॉरी हाफ ठीक है एक्स कॉर्डेंट हाफ है वाई कॉर्डेंट तो वन बाय आएगा तो यहाँ पे अब ये देखो मैं यहाँ से चल रहा हूँ मैक्स सबसे ऊपर ये वाला ग्राफ है मैं ऊपर वाले को उठा के चलूंगा ये ये ग्राफ नीचे है देखो आप और स्ट्रेट लाइन भी नीचे है ये वाली तो मैंने ये उठाया यहाँ पे यहाँ तक ऊपर चलता जा रहा है यहां पर जैसे ही इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, पे आऊंगा ये ग्राफ नीचे जा रहा है मुझे हॉजेंटल लाइन उठानी पड़ेगी मुझे हाफ की लाइन उठानी पड़ेगी मैंने वापस हाफ कर दिया था इसको हाफ की लाइन उठाई है फिर इसके बाद मेरा पैराबोला चेंज हो गया फिर यहाँ मेरा पैराबोला चेंज हो गया ये से जा रहा है और इसके बाद तो यही सबसे ऊपर है है देखो अब दोबारा नीचे आने का स्कोप नहीं है। तो इस यहां तक मेरा ग्राफ क्या हो गया x के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में निकालना पड़ता है पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं सिमेट्री से वन बाय फोर ही आएगा ये लग रहा है और ये थ्री बाय फोर आएगा सिमेट्री से तो यहाँ तक मेरा ग्राफ है x माइनस वन होल स्क्वायर का पैराबोला है ये स्ट्रेट लाइन हाफ हो गई इसके आगे जा रहे हैं y x2 बन गया ये देखो ऐसे ये मैक्स है तो ऊपर वाला पार्ट लेना है तीनों ग्राफ को कंपेयर करना है हर x कोऑर्डिनेट पे जैसे मैंने यहाँ पे तीनों को कंपेयर किया है तीनों में एक ये पॉइंट नीचे था ये पॉइंट भी नीचे है सबसे ऊपर ये वाला पॉइंट है सबसे टॉप वाला ग्राफ लेना है आपने इस तरह का क्वेश्चन है सो so, अब ये कंपोजिट फंक्शन कैसा फंक्शन होता है कि जैसे मेरा ये एक फंक्शन x जा रहा है मेरा फंक्शन एफ एक्स में ऑपरेटर था मैंने कहा था इसको बॉक्स कह दो ऑपरेटर कह दो जैसे यहाँ से बाहर निकाल रहा है दोबारा मैंने इसके आगे एक और ब्लॉक लगा दिया वो सेम ब्लॉक भी लगा सकता हूँ मैं ऐसे तो मेरा जब आउटपुट आएगा यहाँ से एफ एक्स आउटपुट आया और एफ एक्स ही मैंने एफ में फीड कर दिया एफ एक्स को फीड कर दिया मतलब ब्लॉक को मैंने सीरीज में इनपुट लगा दिया ब्लॉक को सीरीज में लगा दिया तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एफ एक्स बोलते हैं इसको एफ ऑफ एफ एक्स राइट right, को ऐसे लिख लो या खाली ऐसे भी लिख लेते हैं इसको ऐसे तो ये एग्जाम्पल है जैसे मैं साइन एक्स को साइनेक्स में इनपुट कर दिया जा, Sine, ये हो जाएगा साइन ऑफ साइन एक्स कॉमन सेंस से देखो आप एक बॉक्स के आगे एक और बॉक्स लगा दिया मेरा एक्स जा रहा था साइनेक्स के अंदर साइनेक्स को उठा के मैंने दोबारा साइन एक्स में डाल दिया

तो वो यहाँ आ जाएगा वन ओवर एक्स में जहाँ भी एक्स है वहाँ ये देखो ये मतलब है F of का उठा के जहाँ भी आपका एक्स था उठा के पूरा फंक्शन ही डाल दो ये मतलब है ये दो स्टेप में कर लो मैंने उठा के इसके जैसे यहाँ ब्लॉक गया मेरा ये एक्स गया मेरा एफ एक्स में इसका जो आउटपुट आया मैंने कहाँ डाल दिया वो मैंने आउटपुट डाल दिया कहाँ पे वो डाल दिया दोबारा एफ एक्स के अंदर तो इस केस में ये क्या था मेरा वन ओवर वन माइनस ये मेरा एफ एक्स था इसे देखो अब ये था तो ये मेरा क्या हुआ कि जो मेरा दो पार्ट में देख लिया हमने ये जो एफ था ये जो पूरा एफ एक्स था क्या करा मैंने यहाँ एफ एक्स माइनस वन यहाँ डाल दिया पूरा एक्स के एक्स की जगह एफ एक्स डाल दिया फिर दोबारा एफ एक्स की वैल्यू भी डाल दी ये मतलब ये बन गया दो स्टेप में देखा एलसीएम ले लिया जो भी आएगा एक्स माइनस वन ओवर वन माइनस एक्स माइनस वन तो ये बना एक्स माइनस वन और नीचे बना माइनस एक्स तो यहाँ से एक्स नॉट इक्वल टू जीरो भी आ गया तो इस फंक्शन का स्कोप क्या होगा एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एक्स नॉट डोमेन ही है इसकी वन भी, भी नहीं है और ज़ीरो भी नहीं है डिनोमीटर तो में जीरो नहीं होना चाहिए इसलिए तो ये मतलब है अब ऐसा भी हो सकता है हमें ध्यान रखना है कि दोनों ब्लॉक डिफरेंट टाइप के हैं तो बेसिकली मल्टीपल फंक्शंस को कंकैटिनेट कर रहे हैं एक्स के एफ एक्स के अंदर और जो एफ एक्स आउटपुट आया उसको मैंने प्लग इन कर दिया किसी और फंक्शन में जी एक्स में तो ये जो आउटपुट आएगा इस बार जी ऑफ एफ एक्स आ जाएगा गॉफ भी बोलते हैं ऑफ ऐसे भी लिख सकते हो आप वो हटा दो बीच में से ये है। ये मतलब है इस बार डिफरेंट कर दिए हैं सीरीज में ब्लॉक डिफरेंट लगा दिए हैं एक तो डिफरेंट ब्लॉक्स हो सकते हैं और जितने मर्जी ब्लॉक कोई फर्क नहीं पड़ता जैसे मैंने यहाँ साइनएक्स क्लियर ऐसे पहले लिया था इसको मैंने एक्सक्वायर ले लिया तो मेरा साइन एक्स एक्सक्वायर में जा रहा है तो मेरा क्या हो रहा है ये जो मेरा ये जी ऑफ एफ एक्स क्या है वो है मेरा पहले स, बाद वाला फंक्शन एक्सक्वायर है तो यहाँ पे साइन एक्स जाएगा यहां जाके एक्स की जगह रिप्लेस हो जाएगा तो ये बन जाएगा साइन एक्स का ये मतलब है राइट डिफरेंट है तो मैंने एफ एक्स को लिया अगर आ, मैं लॉग एक्स ले रहा हूं राइट और मैं जी एक्स को ले रहा हूं वन ओवर वन प्लस एक्स एक्स नॉट इक्वल टू माइनस वन तो ये मेरा क्या बन जाएगा जी ऑफ एफ एक्स जी के अंदर उठा के एफ को डाल दो लॉग एक्स यहां चला गया ये मतलब है राइट ये मतलब है तो अब ये हम एक बार देखें कि किस तरह से मैंने मतलब मैं तो क्या क्वेश्चन इस पे है जो मैं डिस्कस कर रहा हूं जैसे देखो इस क्वेश्चन में रेंज निकालनी है इस फंक्शन की इस एक्सप्रेशन की रेंज निकालनी है ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन तो हम दो तरह से कर सकते हैं एक तो क्वालिटिक में टिपिकल मेथड किया होगा आपने वाई मान लो ये और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो करा होगा आपने पक्का क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो आ गया फोर वाई एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई एक्स प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो अब इसको हम कहते हैं ये क्वाड्रेटिक बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है एक्स रियल है तो डी than equal टू जीरो करते हैं तो ये मेथड क्वेश्चन नहीं किया तो हम रिवाइज करना पक्का मीन फोर वाई स्क्वायर माइनस बी स्कोर माइनस फोर ए सी कर रहा हूं मैं माइनस यू नो सिक्स वाई फोर इंटू फोर सिक्सटीन वाई इंटू वाई माइनस वन ग्रेटर फोर कॉमन वाई कॉमन लेफ्ट ओवर इज वाई यहां बच गया यहाँ फोर इन टू वाई माइनस वन बचा y 4 से डिवाइड कर दिया वाई एंड दिसनस थ्री वाई वाई माइनस माइनस थ्री वाई प्लस फोर ग्रिट इक्वल टू जीरो माइनस थ्री ऑल्सो कॉमन फोर बाय थ्री राइट right, तो यहां से माइनस इसे डिवाइड करूंगा तो मेरा ये बन गया देखो डिवाइड दे दे है ये, जीरो जीरो और के बीच में क्योंकि लेस का साइन है तो इससे ग्रेटेस्ट वैल्यू वाई की क्या आ गई फोर बाय थ्री वाई मैक्स वैल्यू क्या ले सकता है फोर बाय थ्री वाई मैक्स क्या आ गया फोर बाय थ्री तो ये एक तरीका करने का इस क्वेश्चन को बट हम अभी ये नहीं सीख रहे थे यहाँ पे हमने बता दिया तो इसको हम देख रहे हैं इस तरह से कंपोजिशन से मैं क्या कर सकता हूं मेरा एक्स पहले मेरा गया इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में फोर एक्स स्क्स प्लस वन और ये आउटपुट गया मेरा रेसिप्रोकल फंक्शन में ये देखो आप मैं इस तरह से कर सकता हूं दो पार्ट में करके रेंज निकाल सकता हूं इसके रेंज निकालूंगा तो मैक्सिमम वैल्यू वाई आ जाएगी द वैल्यूज वाई कैन टेक में से मैक्सिमम वैल्यू वाई की निकालनी है सो आई एम ट्राइंग टू फाइंड इस फंक्शन की मैक्सिम रेंज आ कह रहा है वाई की वैल्यूज क्या आ रही है बाहर दो दो पार्ट में ब्लॉक कर दिया इस फंक्शन को ब्लॉक रि, कर दिया अब ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये आपने पढ़ा होगा ये होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है ग्राफ इसका पैराबोला ऐसे ऊपर की तरफ ओपन होगा तो वाई जो वैल्यूज ले सकता है सपोज ये वाई एक्सेस है ये एक्स एक्सेस है मतलब एक्सेस ऐसे होगी फर्क नहीं, नहीं पड़ता कहाँ होगी लेकिन ये ऐसे ऐसे जा रहा है तो मुझे y की जो वैल्यूज आती है कहाँ से शुरू करती है वर्टेक्स से लेके इन्फिनिटी तक ये हमेशा वेन एवर एक जीरो होता है एक है एक ऑफ डीरोक् पॉजिटिव है इस केस में तो y की वैल्यूज क्या होती है माइनस डी बाई फोर ए वर्टेक्स से लेके इन्फिनिटी तक क्योंकि पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन जा रहा है मिनिमम वैल्यू वर्टेक्स ले रहा है वो वर्टेक्स का वाई कोर्डिनेट और ऊपर जाके इन्फिनिटी तक जा रहा है सो दिस इज द रेंज दिस इज द वैल्यूज वाई कैन टेक तो ये मेरा क्वाड्रेटिक से आ गया ये मैं माइनस डी बाई फोर ए मतलब माइनस डी माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बी स्क्वायर फोर माइनस फोर ए सी सिक्सटीन डिवाइड बाई फोर इंटू फोर अप टू इन्फिनिटी। तो ये मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ तो ये आगे माइनस ट्वेल्व फिर ये प्लस ट्वेल्व हो जाएगा ट्वेल्व बाय सिक्सटीन थ्री बाय फोर टू इन्फिनिटी तो ये वैल्यूज में वन बाय रेसिप्रोकल फंक्शन में दे रहा हूँ यहाँ से क्या वाई की वैल्यूज़ क्या आ रही है थ्री बाय फोर टू इन्फिनिटी तो रेसिप्रोकल फंक्शन क्या करता है उसको रिवर्स कर देता है राइट right? कि अगर रेसिप्रोकल फंक्शन का भी अगर आपने ग्राफ देखना है तो ऐसा होता है रेसिप्रोकल फंक्शन ऐसे करता है ग्राफ की जरूरत नहीं है रेसिप्रोकल फंक्शन की आपको रेसिप्रोकल ही करना है उसको रेसिप्रोकल करने का मतलब है कि अगर आपका राइट right, जो यहाँ से वैल्यूज को उल्टा कर देगा मतलब जो आप देखो वन बाय एक्स लाइक कर रहा है थ्री बाय फोर से इन्फिनिटी में ये मतलब हो गया ना राइट तो एक्स क्या होगा रेसिप्रोकल कर दो मतलब ऐसे देख मत देखो कंफ्यूजन हो जाएगी आप उल्टा करो उल्टा हमें देखना है है कर रहा है, थ्री फोर से है। क्योंकि जो इनपुट दे रहे हैं इसको जो इनपुट दे रहे हैं इसको यहां से वो थ्री बाय फोर टू तो इंफिनिटी है तो मुझे ये देखना है ये क्या आउटपुट थ्रो करेगा वन बाय क्या आउटपुट थ्रो करेगा उसका रेसिप्रोकल क्या आउटपुट थ्रो करेगा अगर एक्स ये तो रेसिप्रोकल ले लिया मैंने रेसिप्रोकल लेने से साइन चेंज हो जाता है Uh, रेसिपोको लेने से ये आ जाएगा फोर बाय थ्री और ये जीरो बट हमें टू है ऑलरेडी है इक्वल टू साइन था यहाँ पे ये यह हो गया राइट right? तो जीरो पे भी फिर जीरो पे भी देख सकते हैं जीरो भी इसमें ये जीरो uh, हाँ जीरो हो यहाँ पे यहाँ पे ज़ीरो हटाना पड़ेगा हमें यहाँ पे ज़ीरो नहीं था हमने राइट अगर हम यहाँ पे वैल्यू प्लग इन करके देखेंगे ना जीरो कभी कन्फ्यूजन हो तो यहाँ जीरो प्लग इन करके देखना चाहिए वाई को जीरो प्लग इन करेंगे तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा देखो वाई कभी ज़ीरो हो ही नहीं सकता ये कभी राइट वाई कभी रेसिप्रोकल फंक्शन कभी ज़ीरो नहीं हो सकता तो हमें जीरो आंसर में आ गया था हमें हटाना पड़ना था यहाँ तो अपना भी आंसर में नहीं आया तो मैक्सिमम वैल्यू फोर बाय थ्री हो गई आउटपुट जो यहाँ से आएगा जो आउटपुट यहाँ से आ रहा है वो फोर बाय थ्री से जीरो से लेके फोर बाय थ्री तक आ रहा है मैक्सिमम वैल्यू फोर बाय थ्री होकर जीरो हटा के यहाँ पे जीरो हटाना पड़ेगा इस वाले मेथड से इससे अपना आप हट गया था तो ये आइडिया हमने क्वारिटिक में तो किया हुआ ये तो खाली क्वारिटिक में यूज होगा लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है कि आपने एक फंक्शन को पीसीज में ब्रेक कर दिया सीरीज में ब्लॉक्स को लगा लिया और फिर धीरे धीरे आप उसका आउटपुट बिल्ड करते गए तो एक बार अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं इस तरह से ही था यहाँ भी पहले कर दोबारा रिवाइज कर ले एक्स क्या मेरा मैंने एक्स बिलोंग्स टू आर थ्रो कर दिया इसमें ये कॉडिटिक एक्सप्रेशन तो खाली वैल्यूज वर्टेक्स से लेकर इन्फिनटी तक देगा राइट right? वो हमने क्वालिटी में रखा ये जब आंसर आ गया इसको मैंने रेसिप्रोकल फंक्शन को दिया तो रेसिप्रोकल फंक्शन क्या करता है जो जो भी इनपुट आ रहा है उसको रेसिप्रोकल कर देगा तो वो इसने किया है इनपुट मेरा क्या आ रहा था ये इनपुट ये आ रहा था उसने कहा अच्छा इनपुट आ रहा है मतलब एक्स किया आ रहा है उसने कहा अच्छा रेसिप्रोकल कर देता हूँ और मैं बाकी थ्रू कर दूंगा तो उसने रेसिप्रोकल करा तो ये आंसर आ गया रेसिप्रोकल करने साइन चेंज होता है इनइक्वालिटी का तो एक हमने मॉड फंक्शन तो ऑलरेडी देख लिया है अभी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसको ब्रीफली इंट्रोड्यूस कर लेते हैं ऐसे देखते हैं फंक्शन ज़्यादा नहीं टाइम फंक्शन का क्लास का टॉपिक है ये। greatest integer का मतलब मतलब है कि ऐसे लिखते हैं greatest integer, समझ लेते हैं अभी लेस देन इक्वल टू एक्स और ऐसे भी इसको

1.2 तक नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं जितने भी वैल्यूज हैं नंबर जितने भी रियल वैल्यूज हैं उसमें से सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है जीरो से लेके 1.2 तक सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है वो का इंटीजर ऑन लेफ्ट इंटीजर ऑन लेफ्ट है लेफ्टन आ गया तो दिस इज इक्वल टू वन ये मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर का ऑन लेफ्ट सिमिलरली ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है मुझे सपोज वन का तो वन पॉइंट फाइव यहां पे है तो मतलब वही हो गया इसको नंबर लाइन बनाने की जरूरत नहीं है विजुलाइज कर सकते हो आप कि माइनस इंफिटिक से लेके 1.5 तक जितने भी नंबर्स हैं उनमें से, उन से सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा होगा इंटीजर ऑन जस्ट जो पीछे वही तो सबसे बड़ा होगा नंबर लाइन पे असेंडिंग ऑर्डर में प्लॉट करते हो जो सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है जो जस्ट पीछे है वन है तो ये भी वन हो गया ये मतलब है सेम वे अगर जीरो पॉइंट फाइव अगर इंटीजर निकालना होता तो जीरो पॉइंट फाइव यहाँ आता है नंबर लाइन पे और आपने इंटीजर ऑन लेफ्ट करना है जीरो हो गया वो ये मतलब है

इंटीजर खुद होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ इंटीजर इज इंटीजर ओनली नंबर लाइन पे देख लो आप नंबर लाइन पे माइनस इंफिनिटी से लेके वन तक इंक्लूडिंग वन ये देखो सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है आप पीछे मत जाना जीरो वो खुद ही इंटीजर है सबसे बड़ा वन का ग्रेटेस्ट इंटीजर वन खुद ही है पीछे जाके नहीं देखेंगे वो खुद ही होगा खुद ही तो इंटीजर है वो सबसे बड़ा इंटीजर खुद है वो तो वन हो गया तो ये हमें बेसिक फंडामेंटल्स हैं। जब भी हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है किसी भी वैल्यू का किसी भी नंबर का आप चेक करते हैं वो अगर इंटीजर खुद है तो वही आंसर हो गया अगर वो इंटीजर नहीं है तो उसे पीछे वाला इंटीजर ले लो आप तो 0.5 था उसके पीछे मेरा जीरो हो गया माइनस जीरो के पीछे माइनस वन हो गया माइनस वन के पीछे माइनस टू हो गया ये थ्री पॉइंट फाइव लूंगा तो उसके पीछे थ्री हो जाएगा ये मतलब है अगर वो खुद ही इंटीजर है इंटीजर फाइव का इंटीजर फाइव होगा सिक्स का सिक्स होगा जीरो का जीरो होगा क्योंकि खुद ही इंटीजर है वो तो ये कॉन्सेप्ट है इंटीजर का तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन जैसे ये देखें जो पिछले कंपोजिशन वाले क्वेश्चन उसको मिला के है ये तो इसमें आप अगर देख रहे हैं तो ये किस तरह क्वेश्चन है मेरा एफ एक्स है ये फंक्शन मुझे ये एक्स को मैंने इनपुट करा कर है ये वैल्यूज मैंने इनपुट करी हैं मुझे रेंज निकालनी है एफ एक्स की तो अभी हमने इस तरह क्वेश्चन किया बट कॉन्सेप्ट अभी हमने सारा समझा है इसकी रेंज निकालनी है कोई क्वाड्रेटिक वो रेसिप्रोकल वाला जो फंक्शन था वैसे था लेकिन उस मेथड से नहीं कर सकते हम क्या करेंगे इसको दो पार्ट ने ब्रेक कर लिया मैं इनफैक्ट ती, तीन पार्ट ने ब्रेक करा है तीन पार्ट ने ब्रेक कर रहा है. कैसे किया मैंने पहले एक्स किया इसी फंक्शन को तीन तरह से स्प्लिट कर लिया पहले x क्या मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन थ्री डी दो पार एक्स में फिर मेरा, ये मेरा जा रहा है में, पार आएगा, वो एक्स की जगह प्लगिंग करो ये वाला ये ये बन जाएगा देखो ये बनेगा फिर और ये मेरा जा रहा है थर्ड फंक्शन एक और भी है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स फंक्शन जो अभी हमने पिछले पार्ट में है ये यहाँ चला गया कि तीन फंक्शन मिलके ये मेरा फंक्शन बना है जिसका मुझे रेंज निकालनी है मतलब ये जो मेरा पूरा बॉक्स है इसको मैंने अंदर से अगर पूरा बॉक्स देखोगे तो ये मिलके ये बॉक्स बना है मेरा ये बना पूरा बॉक्स नाइन टू द पावर एक्स माइनस थ्री टू द पावर एक्स प्लस वन इसको मैंने तीन पार्ट में स्प्लिट कर लिया कि बॉक्स जो मेरा बिल्ड हुआ है ये वाला फंक्शन जो बिल्ड हुआ है वो तीन को मिलके बना है ये वाला तो अब मुझे ये निकालना है यहाँ से y यहाँ है देखो ये वैल्यूज y कैन टेक तो इस बॉक्स से बाहर क्या आएगा वो निकालना है तो अंदर उसके तीन पार्ट तीन पीसेस बना लिए बॉक्स के अंदर एक एक करके करेंगे अब देखो यहाँ मेरा इनपुट क्या आ रहा है ये मेरे को इनपुट दे रहे हैं इस इज नॉट इजी क्वेश्चन माइनस इंफिनिटी से लेके वन तक ये इनपुट किया मैंने जब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इनपुट मिलेगा क्या एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके वन तक इसका ग्राफ पता मुझे एक्सपोनशियल फंक्शन का थ्रटी तो पर एक्स का ग्राफ मेरा ये होता है ये ग्राफ है थ्री टू पार एक्स का राइट इसमें बेस ग्रेटर देन देन बेस ग्रेटर दे दे है थ्री वन, वन से बड़ा है तो ये राइजिंग ग्राफ है बेस टू वन में होता है तो फॉलिंग रखना अब मुझे माइनस इन्फिनिटी से लेके वन तक सिर्फ इतना ही ध्यान देना है ज्यादा नहीं ये मैं इनपुट कर रहा हूँ इस बार ये वैल्यूज को माइनस इंफिनिटी से लेके वन तक तो ये आउटपुट क्या करेगा रेंज इस इन वैल्यू से करस्पॉन्डिंग जब ये वन है तो थ्री हो जाएगा ये राइट एक्स वन पे एक्स वन पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन थ्री डी दो पार एक्स को वन प्लग इन करेंगे तो थ्री हो जाएगा तो वाई वैल्यूज क्या ले रहा है अगर ये मैं इनपुट कर रहा हूँ थ्री डी दो पर एक्स की वैल्यूज क्या आएंगी यहाँ से वो आएंगे देखो यहाँ पे जीरो ओपन आएगा क्योंकि ये कभी जीरो नहीं होता अप्रोच ही कर रहा है और कहाँ तक थ्री तक तो पहले ब्लॉक ने जब मैंने ये इनपुट कर रहा है ये एक्स इनपुट किया है थ्री डी दो पर एक्स फंक्शन ने ये आउटपुट थ्रो किया है ये गया अब ये क्वाड्रेटिक के पास गया अब ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ बना लोगे ये इस तरह ग्राफ आएगा एक्स को जीरो प्लग इन करेंगे तो वाई वन आ गया राइट अब अगर वाई को जीरो प्लग इन करते हैं तो वो रूट्स नहीं आते हैं इसके तो अब करना पड़ेगा मैं वो नहीं पढ़ाऊंगा अभी वर्टेक्स मेरा ऐसे आ जाता है एक्स कोऑर्डिनेट हाफ राइट वाई कोऑर्डिनेट थ्री बाई फोर अब कर लेना वर्टेक्स से कॉर्डिनेट निकाल लेना ग्राफ ऐसे जाएगा पैराबोला इसका ये ग्राफ है ये जरूरी है बनाना और आपको आता होगा क्वालिटी पॉलिने का ग्राफ कैसे बनाते हैं पूरा आइडिया लेना था आपने ये ग्राफ है अब मैं इसको इनपुट क्या दे रहा हूँ ध्यान से देखना है इसको इसको इनपुट क्या मिल रहा है जीरो से थ्री मिल रहा है ये जीरो और ये थ्री कहीं वैल्यू होगी ये मैं वैल्यूज इनपुट कर रहा हूँ एक्स कीज को तो ये वैल्यूज क्या आउटपुट थ्रो करेगा तो मुझे देखना पड़ेगा थ्री पे क्या वैल्यू थ्रो करता है ये जीरो पे तो ये वैल्यू थ्रो कर रहा है ये सारी वैल्यूज थ्रो करेगा थ्री का मुझे देखना पड़ेगा क्या है थ्री क्या है थ्री पे मैं प्लग इन करके देख लूंगा नाइन माइनस थ्री प्लस वन वो बन रहा है सेवन तो यहाँ से जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है थ्री बाय फोर से सेवन तक वर्टेक्स से लेके यहाँ तक इन्फिनिटी मत जाना क्योंकि थ्री के आगे नहीं जाना हमने ये देखो जो भी मैंने ग्राफ शेड किया है एक्स जीरो से लेके थ्री तक ये ग्राफ है इसके से करस्पॉन्डिंग वाई कॉर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं रेंज होता वाई है वाई कॉर्डिनेट्स है ये रेंज आ रही है थ्री बाय से लेके सेवन तक ये इंक्लूडिंग थ्री बाय फोर इंक्लूडिंग सेवन जब ये इसको इनपुट भेज रहा हूँ मैं मेरा लास्ट स्टेप पे आ गया इसको मिला भैया थ्री बाय फोर से सेवन तक के जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं सब पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दो राइट right, सब पे ग्रेटर सेंटेजर लगा दो एक मिनट सॉरी ये सेवन पे गलत हो गया सेवन पे मेरा ओपन ही रहेगा क्यों मैंने ध्यान नहीं दिया कि थ्री पे ओपन था थ्री को इंक्लूड नहीं करना तो सेवन को भी इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा ना थ्री कभी इनपुट जान ही रहा है इसके अंदर थ्री से पहले तक रहना है हमें तो सेवन पे ओपन था वो मैंने स्क्वेयर नहीं आएगा सेवन इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि थ्री भी इंक्लूडेड नहीं है इसलिए तो ये ये वाई ऑडन भी इंक्लूडेड नहीं होगा सेवन भी इंक्लूडेड नहीं होगा तो ये इसको जब इनपुट मिला ग्रेटेड सेंटेजर को तो ये क्या करेगा इन सब वैल्यूज का ग्रेटर सिंटेजर क्या आएगा देखो ये सब वैल्यूज जो आएंगी तो इसमें आउटपुट जो मिलेगा मुझे राइट तो, तो आप देख सकते हैं क्या क्या, -क्या वैल्यूज इसमें इन आउटपुट मिलेगा मेरे को तो इन सब डोमेन में जब थ्री बाय फॉर एग्जाम्पल आप थ्री बाय फोर का ग्रेटर इंटीजर लेंगे तो मेरा जीरो आ जाता है तो आउटपुट जीरो भी आएगा आउटपुट वन भी आएगा टू भी आएगा थ्री भी आएगा फोर भी आएगा फाइव भी आएगा इंटीजर से ही आएंगे ये सारे इंटीजर आएंगे सेवन नहीं आएगा जीरो से लेके सिक्स तक आएंगे अगर ये मैं इनपुट डाल रहा हूँ मतलब आई होप कि कॉमन सेंस है आप लगा सकते हैं इसके अंदर कि एक्स मेरा अगर जब भी वैल्यूज थ्री बाय फोर से लेके वन तक होंगी राइट तो मैं जब ग्रेटेस्ट इंटीजर लूंगा इसका इन सब के बीच में नंबर लाइन पे देख लो आप मैं थ्री बाय फोर से मेरा ये वन है ये टू है ये थ्री है ये फोर है ये फाइव है ये सिक्स है ये मेरा सेवन है ये ओपन है ये सब वैल्यूज मैं फीड कर रहा हूँ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इनका क्या आएगा जो ये वाली वैल्यूज है इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर करोगे तो जीरो आंसर आ गया तो ये आउटपुट आएगा इन सब वैल्यूज को मैं गेटर सेंटेजर करूँगा गेटर इंटीजर लगा रहा हूं उन पर तो क्या आंसर आ जाएगा वन आ जाएगा ये वन थ्रो करेगा इन सब वैल्यूज में गेटर इंटीजर होगा तो कहेगा टू ले लो मैं आउटपुट इंटीजर ही आएगा जैसे तो जीरो आ रहा है या वन आ रहा है टू आ रहा है इन सब वैल्यूज का गेटर इंटीजर थ्री इन सब वैल्यूज और गेटर इंटीजर फोर इन सब का फाइव इन सब का सिक्स सेवन ही आएगा सेवन ये ओपन ही है इसके बाद होता तो सेवन आता वो नहीं है तो ये सारे इंटीजर्स आउटपुट आ रहे हैं मेरे जो कि बी आंसर से मैच कर रहे हैं राइट right? तो अभी इस क्लास में इतना ही रखते हैं अब नया पार्ट था हमारा तो गाइज मैंने मतलब कुछ पार्ट कवर किया हो सकता आपने पढ़ा हो सकता नहीं तो यही दैट वाज द आइडिया ऑफ मास्टर क्लास कि कोई एक टॉपिक का पार्ट लेके उसको एक बार रिवीजन करा के उसके कुछ प्रॉब्लम्स यू you नो know, डिस्कस करना तो गाइज पर फीडबैक देना कि यू नो डू यू लाइक दिस क्लास और नॉट And if you like it, no, I'll, I'll follow a similar pattern for other classes. And if you have any other feedback, so give it to me so that I can improvise in other classes, you know, other master classes. Thank you so much, and thank you for attending this class. And if you like it, you know, my class, then please do like it and and share and comment. Yeah, thank you.